पूछता है कि हाउ मेनी बुकिंग्स डू आई हैव, तो वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो बल्कि आपको एज अ टास्क मुझे दे देना चाहिए था कल। कल बाय द वे कोई टास्क दिया था मैंने क्या? नहीं दिया था। ये टास्क मुझे कल दे देना चाहिए था कि एक इंटेंट बनेगा एडिशनल, उस इंटेंट के अगेंस्ट एक मेरे कोड में भी एक इंटेंट बनेगा, इंटेंट हैंडलर बनेगा। उस इंटेंट हैंडलर में जिस तरह से मैं डेटाबेस में डेटा डाल रहा हूँ उसी तरह डेटाबेस से डेटा उठा के और यूज़र को सेंटेंस में करके उसको वापस मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सिंपली ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्लीज़ करने की कोशिश कीजिएगा आप, अगर ये नहीं होता है तो फिर आप बताइएगा, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा इसमें। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और ये, तो अब बहुत सारे यूजर ने हमारा रूम बुक करा है, लेकिन अब दो हमारे पास हैं, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी, लग्जरी वाले फिल हो गई हैं, तो वो कैसे शो कराएंगे? तो आपने कहा था कि हम ये डेलीगेट्स में पढ़ेंगे। अरे यार हाँ, डेलीगेट्स भी तो नहीं पढ़े अभी तक हमने। डेलीगेट्स फिर स्टेट मैनेजमेंट बचता है। स्टेट मैनेजमेंट हमने जब डेटाबेस पढ़ लिया ना, तो स्टेट मैनेजमेंट का तो काम डेटाबेस से भी हो रहा है एक्चुअली ना। स्टेट मैनेजमेंट में ये होता है कि एक छोटा सा आपको वेरिएबल मिल जाता है, उसमें आप कोई भी डेटा रखवा सकते हैं, वो थ्रू आउट द सेशन जो है ना वो रहता है, सस्टेन करके रखता है उसको, तो वो तो डेटाबेस में भी रखवा सकते हैं। लेकिन ये सही आपने तवज्जो दिलाई कि हमारा डेलीगेट्स रह गया है, तो आज हम डेलीगेट्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम SSML की तरफ मूव करते हैं। सर, एक और भी सवाल था कि सर, हम एलेक्सा में किसी व्हाट्सएप और ये इससे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब वेबसाइट से इंटीग्रेट नहीं करवा सकते अलेक्सा में एलेक्सा रहते हुए को? नहीं करवा सकते हम, जब हम इसके बाद हम डायलॉग फ्लो पे जब मूव करेंगे, तो वो जब डायलॉग फ्लो के जो चैट बॉट्स हैं वो मोबाइल पे और वेबसाइट पे लग जाते हैं, अलेक्सा के नहीं लग सकते। अच्छा हमजा, आपका सवाल हो गए। थैंक यू अच्छा मलिक भाई, हमें कल के क्लास में से वो डेट कन्वर्ट करनी थी, वो P4D से 4Ds में। अच्छा, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि लास्ट में हमने ड्यूरेशन को तो हटा दिया था, राइट? लास्ट में, क्योंकि वो जब मैं 4 nights कह रहा था तो वो उसको पिक नहीं कर पा रहा था, ड्यूरेशन में वो सिर्फ 4 days को पिक कर रहा था, 4 nights को वो समझ नहीं पा रहा था। बट जस्ट ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए कन्वर्ट कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि कन्वर्ट ISO ड्यूरेशन, ये मैंने कल सर्च किया था तो मैं दोबारा सर्च करता हूँ, वो आ जाएगा। ISO ड्यूरेशन मोमेंट JS, ये मैंने कल जो है ना सर्च किया था, तो इन्होंने, सब लोगों ने यही सवाल पूछा हुआ है और बहुत ही कॉमन है इस पर। ठीक है, तो इन्होंने कहा हुआ है कि इस तरह करके आप कन्वर्ट कर लें इसको। ओ सॉरी, ये अच्छा ड्यूरेशन तो नहीं है, ये डेट है ये वाला। ठीक है ना, कह रहा है इस तरह का मेरे पास डेटा आ रहा है तो मैं उसको कन्वर्ट कैसे करूं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो है सबसे बेस्ट आंसर, इसने किसी ने बताया हुआ है कि मोमेंट डॉट ड्यूरेशन करें और उसके अंदर ना जो भी आपके पास चीज़ आई है वो डाल दें, तो वो उसको ना नंबर में कन्वर्ट कर देगा। यानी जैसे अगर 5 days है तो वो 5 बना देगा उसको, वो डी वगैरह टी ये सब हटा देगा उसमें से। अच्छा, तो इस अच्छा तरह ये कर एक सवाल था। फिर जी दूसरा था, हमने बात की थी कि जो हमने सिनोनिम्स रखे हैं हाँ अपने स्लॉट्स के लिए, वो सिनोनिम्स अभी डेटाबेस में नहीं थे, तो वो हमें ऐड करने थे एक एरे में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये मैं जो ना मेरे जहन से निकल गई थी ये चीज़ें, तो ये अभी हम कवर करते हैं, ये अभी हम कवर करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा कुछ और खुला हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, चैटबॉट ऑनलाइन। ठीक है जी, परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये पकड़ा हुआ है रूम टाइप। अच्छा सलील, और कोई सवाल है आपका तो वो भी प्लीज़ पूछ लें। सही है, मैंने कुछ और सवाल थे। तो एक ये था कि हम फाइल कैसे डिलीवर करेंगे जब इंटेंट हिट होता है तब। फाइल तो वॉइस यूज़र, वॉइस वाले मतलब मिसाल के तौर पे, मेरा याद है, लाइक
मैंने जो ऐप बनाने की कोशिश कर रहा था कि अगर लाइक स्टोरी टेलर है, मैं आपको बताता हूँ मेरे पास इतना वक्त है, मेरे पास मुझे फिक्शनल स्टोरी सुननी है, मतलब टाइप ऑफ स्टोरी वक्त बता दिया, वो उठा के कहानी लेके आ गया मेरे लिए, एसेंशियली एक MP3 बजा रहा है वो, सही सो है। दैट इज अ ऑडियो फाइल। तो अब ये ऑडियो फाइल या फिर इवन इफ इट इज लाइक यू नो सेंटेंसेस जो मुझे स्पीच में एक सुनाने हैं, तो मैं ये दो काम कैसे करा सकता हूँ डेटाबेस से? यार अगर तो आपको स्पीच सुनानी है ना बंदे को, तो वो तो आप सिंपली MP3। हाँ मतलब वो तो रिप्रॉन्ट में, सॉरी रिप्रॉन्ट में लाइक स्पीक स्पीकर आउटपुट में लगा दे अगर लाइक कुछ लिख के बोलना है तो, लेकिन मुझे डेटाबेस से जो चीज चाहिए वो अगर लेके आनी है लाइक वो कैसे? ये मेरा ख्याल है जो हमने एक बनाया था, असल में बाकी लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूँ कि सलील जो है वो उन्होंने मुझसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी करवाए थे, तो ये गैरी वे वाले की बात कर रहे हैं आप काइंडली हाँ काइंड ऐसे, ऑफ हाँ मतलब यू नो अगेन दिस आइडिया इज द सेम कि के अगर MP3 सेम फाइल्स आपके अच्छा डेटाबेस में पड़ी हुई है, वो आपको कैसे सुनानी है, वो SSML में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे उसको। सही, फिर SSML में वो कवर हो जाएगी। फिर स्पीक स्पीक टैग कोड में कैसे इस्तेमाल करना है ये एक था हाँ वो कि SSML ही है, वो स्पीक का जो टैग है ना वही SSML है। हाँ, लाइक दैट एज वेल एज डिफरेंट वॉइसेस इन पॉली, वो भी SSML का ही पार्ट है मेरे ख्याल से। तो उसके अलावा ये एक था कि सो रिमेंबर हम होटल बुकिंग की बात कर रहे थे, तो लेट्स से हम लोगों ने उसको लास्ट में कंफर्मेशन के लिए यूजर को ये कहते हैं कि आपने जो भी बताया, आप लाइक लेट्स से हमने नाइट्स का पूछा था, तो उसने बताया मुझे 4 नाइट्स के लिए रहना है, बुकिंग करना है, तो हमने ये कर लिया कि N+1 days एंड N nights, मतलब 4+1 मतलब 5 days एंड 4 nights, करेक्ट ऐसे हम उसको पूछ लेंगे। नाउ लेट्स से द यूजर सेज कि नो आई वांट टू बुक फॉर लाइक यू नो लाइक आई वांट टू मेक इट लॉन्गर और शॉर्टर, तो ये कैसे इंटेंट को समझ आएगा ये मैं समझना चाह रहा हूँ। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमने ऑलरेडी होटल बुकिंग बना लिया है, अब इसमें ये हाँ तो सिर्फ एक इंटेंट हुआ कि भाई उसने बुकिंग कर दी, अब वो बुकिंग को एडिट करे, बुकिंग को डिलीट करे, सही है, बुकिंग का स्टेटस पूछे, ये चीज़ें आप कह रहे हैं कि ये कैसे होंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बुक करते करते लास्ट में हमने उससे कॉन्फर्मेशन लिया कि भाई आपने ये बुकिंग कर ली कि सही है आपको 4 नाइट्स का, हमने इंफॉर्मेशन जो जो ली उससे आप ये समझ आया कि आपका 4 नाइट्स का 4 लोगों के लिए चाहिए और आप परसों से आ रहे हैं, सही है। तो सही है। अब वो जब ये कह रहा है कि 4 नाइट 5 days एंड 4 nights वो बता रहा है आपको, सही तो है। आपने सुना लाइक आप यूजर हो, आपने सुना और आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो 6 दिन आना है, सही, आपने तभी उसको टोक दिया कि नो नो आई वांट टू कम फॉर 6 डेज। तो अब ये कैसे उसको समझाएंगे कॉन्टेक्स्ट में कि वो जो कह रहा है कि भाई लाइक आई थिंक दिस इज डेलीगेट्स, इज दिस नो नो डेलीगेट नो, ये दिस इज़ नॉट डेलीगेट्स एक्चुअली। इसके ओके लिए ना फिर इंटेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इसके लिए इंटेंट्स अच्छा बनाने पड़ेंगे हमें अलग से, इसको इस बुकिंग को मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए हमें इंटेंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अभी आई वुड से कि अभी ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें साइड पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने एक डेटा यूज़र से इनपुट लिया है, उसको डेटाबेस में सही सेव कराया है, अभी हमारा जो है ना एंड टू एंड कम्प्लीट नहीं हुआ। एक एलेक्सा स्किल में जो जो चीज़ें होती है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए, तो वंस हमारे बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक फुल फ्लैश हम इस तरह बना के कुछ कुछ बना के इसी वाले को ही कंप्लीट कर लेंगे, हम होटल बुकिंग वाले को ना कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा उसमें एक दो और इंटेंट बना के उसको जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी डाल देंगे उसमें। अच्छा सही तो मैं एक साइट पे एलेक्सा स्किल किट खोल लेता हूँ और उसके कॉन्सोल पे मैं मूव कर जाता हूँ। और इसके मैं कॉन्सोल पे चला गया और कॉन्सोल पे जाने के बाद अलेक्सा डेमो क्लास में चला गया और यहाँ जाने के बाद मैंने कहा स्लॉट टाइप्स और मेरे कस्टम स्लॉट टाइप में चला गया मैं। अब मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं, VIP, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी, मुझे डेटाबेस में भी यही डालना है, ठीक है, बट यहाँ पे हाई क्लास और प्रीमियम और लग्जरी भी यहाँ पे आ रहा है, तो बंदे ने अगर बोला ना हाई क्लास तो मुझे वो VIP नहीं देगा, वो मुझे हाई क्लास दे देगा। अच्छा गूगल असिस्टेंट पे और डायलॉग फ्लो पे ना ये चीज़ ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अलेक्सा पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये सारों को वहाँ पे भी रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पे ना हम ऐसे करके एक एरे बना लेते हैं। मैंने कहा भाई वी आई पी इक्वल्स, अब वी आई पी में ना क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने एरे पे बना के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। प्रीमियम बेस्ट और लग्जरी, और जी ये मैंने वीआईपी बना दिया। मैंने कहा भाई कांस्टेंट वीआईपी में ना अगर इनमें से कोई भी बात है तो उसका मतलब है वीआईपी है, ठीक है। अभी पहले तीनों बना लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ऑर्डिनरी रेगुलर, ठीक है। इसमें क्या है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में ये तीनों होंगे। थर्ड वाला क्या है जी हमारे पास इकोनॉमी, और इकोनॉमी में क्या है लो बेसिक चीप, ठीक है। लो बेसिक बजट और चीप, लो बेसिक बजट और चीप इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे हमने मिस्टेक की हुई थी वो भी मैं बता दूँ वो क्या मिस्टेक की हुई थी। ये जो वीआईपी लिखा हुआ है ना, अगर मैं उसको बोलूँगा ना वीआईपी रूम तो इसको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे वीआईपी सिनोनियम में भी लिखना पड़ेगा, राइट। और मुझे स्टैंडर्ड सिनोनियम में भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ये बात नहीं समझ आई, असल में इस वाली वैल्यू को ये कंसिडर ही नहीं करेगा, ये सिर्फ सिनोनियम को कंसिडर करेगा, ठीक है। समझ गया, क्योंकि हमने उसमें लाइक वो वाली वैल्यू रखवाई नहीं है उस एरे में, हाँ। इसके लिए। अच्छा गूगल असिस्टेंट में और डायलॉग फ्लो में क्या होता है कि जैसे ही आप एक बनाते हैं ना तो ये वीआईपी अगर आपने बनाया तो सिनोनियम वीआईपी का ऑटोमेटिक पहला सिनोनियम वही होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो कर देते हैं। इसमें इन्होंने ऑटोमेटिक नहीं किया हुआ, थोड़ा सा हाथ से करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे वीआईपी लिखा हुआ है ना, तो पहला सिनोनियम मेरे पास यहाँ पे वीआईपी होना चाहिए। अच्छा जैसे ही मैंने पहला सिनोनियम डाला ना, आप देखें नंबर वन पे खुद ही वो आ गया, वीआईपी लास्ट में नहीं आया, नंबर वन पे आ गया। अच्छा और इसको मैंने सेव कर दिया और उसको मैंने बिल्ड मॉडल कर दिया। यहीं पे और एक सवाल जी, अगर हम एरे में कोई वैल्यू डालते हैं लेकिन यहाँ पे मॉडल में नहीं डालते तो क्या वो लाइक नहीं इस्तेमाल हो सकती, एक्चुअली होगा क्या, नहीं वो तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, जो चीज़ें वहाँ है वही हम यहाँ पे भी डाल रहे हैं। अच्छा देखें अब होगा क्या, मुझे रूम टाइप में ना, मुझे रूम टाइप में इनमें से कोई एक चीज़ मिलेगी। अच्छा इसमें भी शुरू में ना मैंने ये वी आई पी नहीं डाला हुआ, इनमें भी शुरू में डालना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। इकोनॉमी, ठीक है जी ये मैंने डाल दिया। अच्छा ये जो रूम टाइप मिलेगा ना इसमें, इस रूम टाइप के अंदर मुझे या तो हाई क्लास मिलेगा या तो प्रीमियम मिलेगा या तो बेस्ट मिलेगा, ठीक है, या तो लग्जरी मिलेगा मुझे इसमें। अच्छा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये मुझे जो भी चीज़ मिली है वो इस एरे में है या इस एरे में है या इस एरे में है। अब वो जिस भी एरे में है उसको हमें ऐसे करके लगाना पड़ेगा। अच्छा जहाँ पर अगर मैं बुक खोलूँ ना, तो बुक में भी ना एक जगह पे इन्होंने ये बात डिस्कस की हुई है, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बुक भी चाह रहा हूँ कि मैं दिखा दूँ। अलेक्सा थोड़ा मैं देखना पड़ेगा, एंटिटी रेजोल्यूशन, ये देखें इन्होंने भी ना इस तरह करके एरे बनाकर दिखाया हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे इफ़ इफ़ करके ना तीन चार इफ़ लगाने पड़ेंगे। ये मैंने इसलिए दिखा दिया है कि मैं कोड तो अभी लिख रहा हूँ, बाद में भी आपको देखना हो तो बुक में भी एज इट इज़ यही चीज़ लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अब ऐसे करके इफ़ लगाना पड़ेगा कि भाई गुड डॉट इंक्लूड्स क्वालिटी, ठीक है, ऐसे करके लगाना पड़ेगा। तो मेरे केस में क्या होगा, मैं कहूँगा इफ़, ठीक है, मैं कहूँगा रूम टाइप है ना, अगर मैं कहूँगा वी आई पी डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के एरे का मेथड है, सॉरी, ठीक है। मैं कहूँगा इफ़ वी आई पी इंक्लूड्स रूम टाइप,
कि भाई जो भी अगर बंदे ने हाई क्लास बोला है ना तो ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर बंदे ने स्टैंडर्ड बोला होगा तो ये फिर ट्रू नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं एल्स इफ एक और लगाऊंगा और मैं कहूँगा भाई कि इसी को ही कॉपी करूँ और मैं कहूँगा स्टैंडर्ड इंक्लूड्स एंड देन मैं कहूँगा कि इकोनॉमी इंक्लूड्स, ठीक है। अब मेरे पास ये तीन आ गए, तो ये जो रूम टाइप है ना मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा रूम टाइप वैल्यू करके ना एक और बना लेता हूँ मैं। मैंने यहीं पे कहा लेट रूम टाइप वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू असल में है क्या, उसको मैंने शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग रखवा दिया। और मैं यहाँ पे आके ना मैं कहूँगा कि यार रूम टाइप वैल्यू इक्वल्स टू VIP है, इस केस में जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा और इस केस में स्टैंडर्ड हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को ना एंटिटी रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा ये कोड लिखा हुआ है ये एंटिटी रेजोल्यूशन है। अच्छा, डायलॉग फ्लो में क्या होता है कि डायलॉग फ्लो में जो बंदे ने बोला है ना वो नहीं मिलता, वो एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है जो उसके अगेंस्ट है। तो ये सारा काम ना डायलॉग फ्लो में और गूगल असिस्टेंट में क्या होता है बिहाइंड द सीन वो खुद करके दे रहे होते हैं। अलेक्सा में ये हमारे पास थोड़ा सा डेटा, मतलब हमारे पास थोड़ा सा हैंडल आ जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास क्या होता है थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल ज़्यादा होने के साथ साथ हमें थोड़ा सा काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। और गूगल असिस्टेंट में क्या होता है कि हमें ये एग्जैक्टली पता चलाने का कोई तरीका नहीं है कि बंदे ने बोला क्या था, ठीक है। वो पूरा जुमला तो देते हैं लेकिन ज़ाहिर है पूरे जुमले में से वो पिक नहीं कर सकते हम उस चीज़ को ना, काफ़ी उसके लिए लंबा कोड हो जाता है। तो उस वो डायरेक्ट हमें वैल्यू बता देता है। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पानी है, पानी दे रहा है। अच्छा, तो अब ये रूम टाइप की जो वैल्यू है ना, ये रूम टाइप की जो वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, ठीक है। रूम टाइप की असल वैल्यू जो है वो लिखूँगा अब मैं यहाँ पे, जो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, ये हो गया जी। अच्छा, ड्यूरेशन को तो हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। हमने ड्यूरेशन को ड्यूरेशन रखा ही नहीं था, क्योंकि ड्यूरेशन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मैं उसको बोलता था कि 4 days तो वो सब समझ जाता था, लेकिन जब मैं 4 nights बोलता था तो वो उसको समझ ही नहीं आता था, क्वेश्चन मार्क हो जाता था। मैं एक दफ़ा देख भी लेता हूँ कि ड्यूरेशन को नंबर कर दिया था हमने ड्यूरेशन को ना। नंबर से ये होगा कि अब वो 4 night बोले या 4 day बोले, वो सिर्फ 4 को ही पकड़ेगा, ठीक है। तो 4 को ही वो पकड़ रहा होगा। अच्छा जी, essentially वो P4D का problem हमने essentially हटा दिया, essentially हमने हटा दिया है। लेकिन अगर हम वो यूज़ करते हैं तो हमारे पास मोमेंट JS की लाइब्रेरी मौजूद है जिससे हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि वो डे बोला है बंदे ने या नाइट बोला है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे लिहाज के तौर पे वो होता तो हम कैसे कन्वर्ट करते है? हम उसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि हम जाते हैं मोमेंट JS में, और मोमेंट JS में जाने के बाद असल में ये प्रॉब्लम ना अमेज़ॉन की साइट से है, ये प्रॉब्लम हमारी साइट से नहीं है, अमेज़ॉन की साइट से, कि उन्होंने जो ड्यूरेशन बनाया हुआ है उस ड्यूरेशन में वो नाइट्स को क्यों नहीं पिक कर रहा, उसको दोनों को पिक करना चाहिए, नाइट को भी और डे को, मतलब 4 day बोलूँ तो भी 4 night बोलूँ तो भी। ऐसे करके मैं मोमेंट JS को इंस्टॉल करता अपने पास, मैंने कहा CD इस मुझे जाना पड़ेगा इस जगह पे, CD03 CD04, ठीक है, अलेक्सा होटल बुकिंग, और मैंने कहा पेस्ट, ठीक है। ये मोमेंट JS की लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल कर ली, और मोमेंट JS की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद मैं कहूँगा मोमेंट डॉट ड्यूरेशन। अभी यहाँ पे एग्जांपल में ड्यूरेशन का तो जिक्र नहीं है, लेकिन हमने देखा है, लेकिन अंदर, हाँ अंदर डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो होगा जिक्र। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ मैं, और हाँ सर्च इसमें आ रहा है ड्यूरेशन, एंटर, ये रहा ड्यूरेशन, सही, ठीक है जी। ये ड्यूरेशन के बारे में क्या कहते हैं, मोमेंट JS ऑल्सो हैज़ अ ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट वेयर अ मोमेंट इज डिफाइंड एज अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, अ ड्यूरेशन इज डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन डू नॉट हैव डिफाइंड टू बी ISO फॉर्मेट के बारे में इन्होंने कहीं जिक्र तो नहीं किया।
लेकिन हम इसको करके देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है हमें। अच्छा, शॉर्ट हैंड यहाँ पे बताया हुआ है कि शॉर्ट हैंड इस तरह होगा, ये बता दिया इन्होंने। ठीक है जी, तो ये ISO फॉर्मेट का भी जिक्र कर दिया है कि भाई ISO फॉर्मेट को भी ये कन्वर्ट कर लेता है, सही। तो मैं इसी को पकड़ सो ले so, रहा हम हूँ। इसी को कॉपी करके वहां पे डाल देंगे और फिर इसको इसको हम उस वैल्यू में रख देंगे ड्यूरेशन की। मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इसको दूंगा ड्यूरेशन डॉट वैल्यू, ठीक है, और मैं इसको कह दूंगा कि भाई रिज़ल्ट जो भी, मतलब जो भी इसने मुझे दिया वो रिज़ल्ट बन गया, ठीक है। मोमेंट जेएस ने जो भी कन्वर्ट करके मुझे दिया वो रिज़ल्ट बन गया, और कॉन्सोल डॉट लॉग करके मैंने इसको क्या कह दिया कि मोमेंट जेएस रिज़ल्ट रिज़ल्ट, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे, अच्छा मूवमेंट जेएस को मैंने रिक्वायर नहीं किया अभी तक, ये भी ऊपर ऊपर बताया हुआ होगा इन्होंने कि इसको यही होम पे ही होगा इसको ये रिक्वायर करने का तरीका। अच्छा गाइड, इम्पोर्ट मोमेंट जेएस फ्रॉम मोमेंट जेएस ऐसे कुछ। ये तो इंस्टॉलेशन हो गई ना, रिक्वायर ऊपर इम्पोर्ट भी तो होगा ना, ये इम्पोर्ट करने का भी हाँ तरीका इन्होंने कहीं ना कहीं बताया हुआ होगा। रीड वॉच, यार इम्पोर्ट करने का तरीका कहीं पे भी नहीं बताया। चलो हम तुक्के में करके देखते हैं ना, इम्पोर्ट स्टेटमेंट तो वैसे एक ही है सबकी, मोमेंट नाम होगा इसका मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। जेएस लग रहा है। मोमेंट जेएस, अब ये देख लेते हैं ना, हम नॉट मॉड्यूल में देख लेते हैं हम क्या नाम आया इसका। एम ओ एम मोमेंट मोमेंट है ये असल में इस नाम पे नहीं डिपेंड करता, वो इस नाम पे डिपेंड करता है पैकेज डॉट जेसन में जो है ना अंदर, इस नाम पे। हाँ मोमेंट है ये, ठीक अच्छा है, इस नेम पे डिपेंड करता है, सही। तो मोमेंट ही है भाई, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं, npm रन dev, ठीक है। बल्कि ये जो हमने रिजल्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसको हम बाहर रख देते हैं ताकि वो हाथ के हाथ ही एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने इसको ऐसे कट किया और शुरू में ही ले जाता हूँ मैं, जहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है ना वहीं पे इसको चला देता हूँ, यानी इम्पोर्ट होने के फ़ौरन बाद में। अच्छा फिर ज़ाहिर है ड्यूरेशन डॉट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मैं इसको हार्ड कोडेड दे देता हूँ। हार्ड कोडेड मैं कैसे दूंगा, मेरा जो मोंगो डी बी कंपास में डेटा बेस में सेव हुआ हुआ था वो मेरे पास, उसको मैं वहाँ से उठा लेता हूँ 5 डे के लिए, जो उसने जो भी दिया था वो वहाँ सेव है मेरे पास मोंगो डी बी में। सही। ये है T5 जी T या T4 ऐसा कुछ था। कनेक्टिंग, ठीक है। ये रिसेंट में, कल जो मैंने टेस्ट किया था वो रिसेंट में आ रहा था, उसको मैंने वहीं से ओपन कर लिया। अबे क्या हो गया भाई, खुल जाए यार। आपके ज्यादा ये होंगे डेटाबेसेस काफी होंगे। इतनी देर में तो मैं मोंगो डीबी के क्लाउड पे चला जाता। बैड ऑथेंटिकेशन, ओके गॉट इट। मैंने वो यूज़र असल में डिलीट कर दिया था जिस यूज़र से मैं कनेक्ट हुआ हुआ था, मैंने एहतियातन जो है ना वो बाद में यूज़र डिलीट कर दिया था, तो मैं उसी नाम से दोबारा यूज़र बना लेता हूँ यहाँ पे। यूज़र 123, यूज़र 123 के नाम से जो मैंने रखा था वो यूज़र मैंने डिलीट कर दिया था, इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा यूज़र्स में, प्रोजेक्ट के एक्सेस अंदर, मैनेजर डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस में मैं कहूँगा ऐड अ न्यू यूज़र, और मैंने कहा यूज़र 123, यूज़र 123, और मैं कहूँगा भाई ऐड यूज़र, ठीक है भाई यूज़र 123 ऐड हो गया।
एंड नाउ आई विल ट्राई टू कनेक्ट इट अगेन. क्या कह रहा है भाई कि ये कनेक्ट नहीं करूँगा मैं. चलो जब यहाँ पर आ गए तो कलेक्शन भी यहीं से ब्राउज़ कर लेते हैं ना, वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं ब्राउज़ कलेक्शन पे क्लिक कर दिया मैंने कनेक्ट. ये मेरा ख्याल है अभी कनेक्ट नहीं होगा. उसका रीज़न ये है कि जब हम इसमें ऐड करते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो क्या करता है कि थोड़ा टाइम लगाता है उसको पब्लिश करने में. बुकिंग्स ऐसे कुछ होगा. अच्छा ये असल में सीन पता है क्या हुआ है, मैंने लास्ट वाली क्लास में ये किया था कि मैंने इस अकाउंट से नहीं किया था, इस अकाउंट को मैंने लॉग आउट करके नए अकाउंट से बनाया था. तो मुझे असल राइट में राइट यहाँ डेटाबेस मेरे दूसरे डेटाबेसेस दिख रहे हैं, तो मुझे उस अकाउंट में जाकर देखना पड़ेगा. आपको बड़ा याद है. हाँ आहिस्ता आहिस्ता रिकॉल हो रही है चीज़ें. अच्छा ये मैं डेटाबेसेस में आ गया और ब्राउज कलेक्शन, ये भाई आ गई हमारी बुकिंग्स. इसमें मुझे मिला हुआ है P4D, ये मुझे ये इसको मुझे कन्वर्ट करना है P4D. अब इसको मुझे ये 4 डे में कन्वर्ट करके दे दे तो सही है. ठीक है ये ड्यूरेशन को ना इसने ऐसे करके कन्वर्ट कर दिया. ठीक है ऐसे अंडरस्कोर डेज 4, मिली सेकेंड 0, मंथ 0 और डे 4 करके मुझे ऐसे मिल गया ये. सही. अच्छा अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो है ना इतने सारे में मुझे जो है ना कैसे मैं उसको निकालूंगा. ये भी मोमेंट जेएस में से ही देख लेते हैं कि ये ड्यूरेशन पे जाने के बाद उसको फिर आगे कर क्या रहे हैं. ड्यूरेशन पे गया मैं और ड्यूरेशन में से वो निकाल कैसे रहे हैं. कन्वर्ट तो उसने कर दिया है लेकिन उसको तो ओके ड्यूरेशन डॉट मिली सेकेंड्स, ड्यूरेशन डॉट डेज हम लिखेंगे. ड्यूरेशन डॉट एज डेज हम लिखेंगे. गॉट इट. उसने डेज भी लिखा हुआ था ना वहां पर. एज डेज, तो एज डेज करके लिखूंगा मैं, तो जो भी ड्यूरेशन बंदे ने बताई होगी वो मुझे डेज में 4 मिलके 4 नज़र आ गई मुझे. फोर के सही बाद ये क्या ब्रेक हो गया मेरा पूरा. अच्छा वो मेरा डेटाबेस यहाँ पर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी यूज़र 123 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी कनेक्ट नहीं हो रहा. तो मुझे यूज़र ऐड कर देना चाहिए यहाँ पर आके. मैंने कहा डेटाबेस एक्सेस और मैंने कहा ऐड अ न्यू यूज़र, यूज़र 123 ठीक है जी. तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, यूज़र ऐड कर दिया. अब होपफुली मेरा ये जो है ना इसको भी कनेक्ट हो जाना चाहिए, मोंगो डीबी कंपास को. और मेरी एप्लीकेशन में भी ये एरर आ रहा है कि भाई आपका तो जो है ना ऑथेंटिकेशन सही नहीं है, तो इसको भी सेट हो जाना चाहिए. अच्छा तो ये हमने कन्वर्जन करके देख ली. जस्ट इन केस इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इतनी चीज़ को, और कमेंट करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं अपने एक्चुअल चीज़ पर. हमने ये एंटिटी रेजोल्यूशन भी करके देख ली. अब हम समझते हैं कि डेलीगेट्स क्या चीज़ हैं. अच्छा डेलीगेट्स ना हमारे पास हैं दो तरह के. आ जाते हैं हम अपने इंटेंट के अंदर और हमारे इंटेंट का नाम है बुक रूम. अच्छा हमारे पास जो है डेलीगेट्स में ना यहाँ पे तीन आ रहे हैं. अच्छा एक तो आ रहा है ऑटो डेलीगेशन इनेबल, ठीक है, और एक है ऑटो डेलीगेशन डिसेबल, और एक है फॉल बैक टू स्किल सेटिंग.
अच्छा, तो डिफ़ॉल्ट में जो होता है ना वो यही वाला होता है, फॉल बैक टू स्किल सेटिंग। नोट कीजिएगा, अभी इसका डेलीगेट का बिहेवियर जो अभी है ना फॉल बैक टू स्किल सेटिंग पे, वो बिहेवियर क्या है अभी? वो बिहेवियर ये है कि जब बंदा बोलता है कि बुक अ रूम, ठीक है, तो वो सबसे पहला पैरामीटर कलेक्ट करने की कोशिश करता है, और सबसे पहला पैरामीटर कलेक्ट करने के लिए वो क्या बोलता है, जो भी मैंने डायलॉग्स के अंदर उसको बताया होता है कि भाई ऐसे करके पूछो, वो पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा, मेरे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं जाने देता वो, ठीक है, पहला पैरामीटर जब वो कलेक्ट कर रहा है तो मेरे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट वो नहीं जाने देता। ठीक है, सेकंड वाली बात फिर पूछता है वो, सेकंड वाली बात में भी फिर सवाल पूछता है पलट के, लेकिन वो क्या करता है, मेरे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं जाने देता। ठीक है, स्किल के अंदर से ही रिप्लाई कर रहा होता है, यहीं पे क्वेश्चन लिख दिया गया है, उसी में से जो है वो जवाब, उसी में से यूज़र से ना इंटरेक्शन करता रहता है वो। फिर तीसरा डेटा कलेक्ट करता है, अभी भी मेरे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं गई। फिर चौथे को कलेक्ट करता है, और अभी भी मेरे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं गई। जब चौथा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो पलट के सवाल पूछा, भाई ये ड्यूरेशन बताएं कितने दिन के लिए आना है, बंदे ने नहीं बोला, वो फिर पूछता है कि भाई ड्यूरेशन बताएं कितने दिन के लिए आना है, जब वो चौथा भी बोल देता है, तो फिर एक ही बार चारों को लेकर एक ही बार मेरे पास सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, राइट? अच्छा, तो इसमें अब सलील ने भी एक सवाल पूछा था कि भाई अगर मेरे पास जो है, अगर बंदा रूम बुक कर रहा है, ठीक है, और रूम बुक कर रहा है, वो फोर पीपल उसने बोल दिया है, अब मेरे पास अगर फोर पीपल के रूम डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं पहले ही बार में उसको कैसे बता पाऊँगा, क्योंकि वो तो चारों पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद ही मेरे पास आता है सर्वर के ऊपर। ठीक है, फिर एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि कोई भी ऐसी डायनेमिक चीज़ है कि मिसाल के तौर पर जब वो रूम टाइप बोलता है अगर, तो रूम टाइप मैं डेटाबेस में एक तो देखूंगा भी कि भाई अवेलेबल है भी या नहीं है, कि भाई वीआईपी रूम बंदे ने बोल दिया है वो अवेलेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, या अगर मिसाल के तौर पे एक ही बचा हुआ है वीआईपी रूम, तो मैं उसको साथ में अगर ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार आपने वीआईपी रूम सेलेक्ट करा है, वो सिर्फ एक ही बचा हुआ है डेटाबेस में, जल्दी से बुक कर लो, तो मेरे पास उसका कोई ऑप्शन अभी के केस में नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो डायलॉग डेलीगेशन स्ट्रेटजी है ना, वो मैं क्या कर दूँगा, वो मैं कर दूँगा डिसेबल। ठीक है, अच्छा, स्किल सेटिंग का मतलब ये है कि वो सर्वर पे जाने की कोशिश नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि मैं यहीं पर ही रहूं। ठीक है, अच्छा, बल्कि इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में देख भी लेता हूं, तीनों को हम ज़रा पढ़ भी लेते हैं कि क्या है तीनों के बारे में ना, थोड़ी सी थ्योरी सी पढ़ लेते हैं हम कुछ। ठीक है जी, कह रहे हैं कि भाई देयर आर टू वेज, कह रहे हैं कि एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इनेबल कर दें ऑटो डेलीगेशन, आइदर फॉर एंटायर स्किल, पूरी स्किल के लिए भी आप इनेबल कर सकते हैं, और फॉर स्पेसिफिक इंटेंट्स, अभी हम जो है ना इंटेंट के अंदर आके कर रहे हैं ये, तो स्पेसिफिक इंटेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं। एलेक्सा कंप्लीट ऑल ऑफ द डायलॉग्स स्टेप बेस्ड ऑन योर डायलॉग मॉडल, एलेक्सा सेंड योर स्किल अ सिंगल इंटेंट रिक्वेस्ट When the dialogue is complete, man, ठीक है, अगर हम ये enable करके रखते हैं enable auto delegation, तो वो क्या करेगा, सारों को यानी कि सारे parameters को collect करके एक ही बार भेजेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर delegation manual आप करते हैं with dialogs.delegate directive, अच्छा ये काम हम कोडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें हम नहीं जाते, तो कह रहे हैं कि अगर आप हर इंटेंट का ना कोडिंग से डायलॉग डेलीगेट अलग से भेजते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं मैनुअली उस तरीके से। अच्छा, अच्छा, तो हमने इसको डिसेबल कर दिया ऑटो डेलीगेशन को। अच्छा, डिसेबल करने से क्या होगा कि जब भी बंदा कुछ बोलेगा तो हर रिक्वेस्ट के ऊपर ना सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, और जितने पैरामीटर मिल चुके होंगे वो पैरामीटर मैं देख पाऊँगा, और बाकी के जो पैरामीटर हैं जो नहीं मिले हुए उनके लिए वहाँ से क्वेरी भेज पाऊँगा। ठीक है,
फिर हमारा जो एडिट डायलॉग के अंदर ये होता है ना, ये चीज़ें जो हैं ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन, जाहिर है ये क्वेश्चन फिर नहीं होगा, फिर मेरी मर्ज़ी का क्वेश्चन होगा, बट स्टिल ये जो अटरेंसेज हैं ये फिर भी ज़रूरी है कि भाई बंदा जवाब तो देगा ना, तो वो तरीका मुझे फिर भी बताना पड़ेगा। अच्छा मैं वापस आता हूँ। ये सवाल फिर कहाँ पे जाएंगे? सॉरी, ये जो आपने बताया कि यहाँ के अटरेंसेस रहने हैं, लेकिन जो नीचे आके हमने इंटेंट के स्लॉट्स में जो चीजें थी उसके बारे में आप बता रहे थे, राइट? तो सॉरी, कैन वी जस्ट गो बैक टू द अर्लियर स्पॉट एडिट डायलॉग में? देखें मैं आपको समझाता हूँ कि ये डिसेबल करने के बाद इसका बिहेवियर क्या होगा। बिहेवियर ये होगा, बंदे ने बोला कि बुक अ रूम, सही है? बंदे ने क्या बोला? बुक अ रूम। अब बुक अ रूम जैसे ही वो बोलेगा ना, तो मेरे डायरेक्ट मेरे कोड में रिक्वेस्ट पहुँचेगी, और मेरे कोड में जब रिक्वेस्ट पहुँचेगी ना, तो ये चारों जो है वो खाली होंगे। इन चारों में से मुझे एक भी नहीं मिलेगा स्लॉट, चारों खाली होंगे स्लॉट। अच्छा, तो मैं अब मेरे कोड से क्या भेजूंगा? मैं रीप्रॉम्प्ट भेजूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई मुझे बताओ कितने बंदों के लिए रूम चाहिए, सही है? तो अच्छा। पहले हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पे लिखते थे, सही है, कि भाई कितने बंदों के लिए रूम चाहिए बता दो, सही है? फिर बंदा बोलता था कि यार आई वॉन्ट टू बुक अ रूम फॉर 3 पीपल। तो अब ये वाला ना हमारा ये यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, ये वाला हमारा यूज़ नहीं हो रहा स्पीच का प्रॉम्प्ट। हाँ अच्छा, बाय द वे ये लगाने के लिए ना, मतलब इसको बोलता है कि रिक्वायर्ड है, इसको नहीं लगाओगे तो एरर देता रहता है, तो आप एक लगा भी दो कुछ भी, हेलो हाय लिख के। अच्छा ये लेकिन जो है ना हमारा अभी भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि जाहिर है रीप्रॉम्प्ट तो हमने सर्वर से भेज दिया, लेकिन जब बंदा बोलेगा जवाब में तो अलेक्सा को समझ में नहीं आएगा अगर ये बात नहीं लिखी हुई होगी, ठीक है ना? तो अटरेंसेस हमारी रहेगी। ये क्लियर हो गया बिल्कुल? यस। अच्छा तो अब हमने इसको डिसेबल कर दिया, और डिसेबल करके हम इसको करते हैं सेव मॉडल और बिल्ड मॉडल। अच्छा जब जितनी देर में ये बिल्ड चला रहा है उतनी देर में हम क्या करते हैं, हमारे ना इसका एक वो बना लेते हैं, ज़ाहिर है ये कनेक्टेड नहीं है ना अभी, इसको एनजी रॉक से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, अपने इस सर्वर का एक एनजी रॉक क्रिएट कर लेते हैं, एनजी रॉक 3000 और HTTP 3000। ये हमने किया हुआ था तो ये हर बार ही करना पड़ता है? वो जाहिर है मेरा पीसी रीस्टार्ट हुआ तो वो खत्म हो गया ना। अच्छा हाँ, ये तो जब तक टर्मिनल पे ये चल रहा है जबी तक है इसको मैं। अच्छा तो मैंने अगर पीएस कोड भी बंद कर दिया तो वो हाँ वो बंद हो गया, खत्म, दोबारा से होगा। अच्छा, ओके, मैं गया एंड पॉइंट पे, और एंड पॉइंट पे जाके ये जो मेरा पुराना एनजी रॉक का यूआरएल था इसको मैंने हटा दिया और नया वाला यूआरएल पेस्ट कर दिया। अच्छा इसको करने के बाद भी मुझे सेव एंड पॉइंट कर देता हूँ, बिल्ड करने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था बगैर बिल्ड किए भी चल रहा था, लेकिन कभी कभी मेरे से ऐसा हुआ है कि बिल्ड किए बगैर चलाता हूँ तो एरर भी दे देता है वो। अच्छा अब मैं जाता हूँ जी टेस्ट वाले पे, टेस्ट वाले पे जाके मैं अब इसको जैसे ही बोलूँगा कि बुक अ रूम, तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट रिक्वेस्ट मेरे कोड में पहुँचेगी और मेरा कोड मोस्ट प्रॉब्ली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा कोड इस हिसाब से लिखा हुआ नहीं है कि उसमें डायरेक्ट रिक्वेस्ट आ जाए। Hello and welcome. I am virtual version of Mr. Dot Inzamam. Hello and welcome. I am virtual version of Mr. Dot Inzamam Malik. What would you like to ask? I can. Okay. Your room for undefined people is reserved for undefined night. सही है जी। तो इसने क्या किया? जाहिर है मुझे ये चारों पैरामीटर जो थे, ये चारों पैरामीटर मुझे अनडिफाइन मिले हैं इस बारी, ठीक है? तो इसने फौरन मुझे बोला है कि भाई आपका रूम बुक हो गया, उस अनडिफाइन को डायरेक्ट इसने डेटाबेस में भेज दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया इसने सीन। तो अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे शुरू में ना, अब ये डेलीगेशन मेरा टोटल कोडिंग पे जा चुका है, अभी अलेक्सा के उस सेटिंग पे नहीं, जो अलेक्सा के अंदर मैंने सेटिंग की हुई है उस पे कोई डेलीगेशन नहीं है अब, ठीक है? अच्छा ये जिसको ऑटो डेलीगेशन बोलते हैं वो मैंने बंद कर दिया, तो अब रिक्वेस्ट डायरेक्ट मेरे कोड में आएगी हर दफ़ा। अब मुझे यहाँ पे ना एक अदद इफ़ लगाना पड़ेगा। अच्छा ये इफ़ मुझे वैसे भी लगाना चाहिए
एहतियातन, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ऑटो डेलीगेशन मैंने ऑन भी किया हुआ है तो जब भी मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि ऑटो डेलीगेशन का चक्कर ये है कि अलेक्सा ना डिसाइड करता है कि भाई अभी इसको मैं भेज दूँ कोडिंग पे या इधर ही से जवाब दे दूँ, तो कभी कभी वो बिला वजह भी कोड में भेज देता है, ठीक है। थोड़ा सा ग्लिच है उसके अंदर ऑटो डेलीगेशन में भी उसके, तो अगर मैंने ऑटो डेलीगेशन किया हुआ भी है तो भी मुझे ये इफ़ लगाना चाहिए हर उसके अगेंस्ट। अच्छा, बल्कि ये इफ़ मैं कंसोल के बाद लगाता हूँ, ठीक है। मैंने सारों को कंसोल करवा दिया और कंसोल करवाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई इफ़ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नॉट, ज़रा एक दफ़ा देख भी लेना कि वो कंसोल पे प्रिंट क्या हुआ था, सही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कर लेंगे। ये वाला नहीं, ये रहा, ठीक है। ये जो लाइन नंबर 142 का कंसोल आया है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह का आया है। ये इस तरह का आया है, ठीक है। स्लॉट के अंदर ड्यूरेशन मौजूद है, रूम टाइप मौजूद है, नंबर ऑफ पीपल मौजूद है, अराइवल डेट मौजूद है, लेकिन इन चारों की वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। ये चारों मौजूद हैं मगर इन चारों की वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ मुझे क्या मिल रही होंगी, अनडिफाइंड मिल रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब एक एक की वैल्यू को चेक करूँगा यहाँ पे, और जिसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे उस वो तो ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी उसको मैं क्या करूँगा, बोलूँगा कि भाई बताओ मुझे इसके बारे में कि भाई क्या सीन है इसका, ठीक है। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ पीपल डॉट वैल्यू अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करो, यहाँ से वो रीप्रॉम्प्ट वाला स्पीच रिटर्न करो। अभी रीप्रॉम्प्ट वाला स्पीच मैं ढूंढ के लाता हूँ ऊपर से कहीं से, ठीक है। ये लाउंज में ना मैंने रीप्रॉम्प्ट वाला लगाया हुआ है, ये मैंने ले आया ढूंढ के यहाँ से, सही है। तो ये रीप्रॉम्प्ट वाला मुझे यहाँ से रिटर्न करना होगा, ठीक है। अच्छा, स्पीक में अब मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी पर्सन्स आर यू, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, अब यहाँ पर से मुझे जब रिस्पॉन्स भेजना है तो ज़ाहिर है वो तो मैंने जो लिख दिया यहाँ पे, तो हर बार वो एक ही रिस्पॉन्स जा रहा होगा ऐसे करके, राइट। हर बार वो बिल्कुल ही एक रिस्पॉन्स दे रहा होगा मुझे। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि यहाँ पर से रैंडमली मुझे बदल बदल के रिस्पॉन्स दूँ मैं। इसका हल ये है, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन, ठीक है, यानी जो भी मुझे क्वेश्चन पूछना है वो लिखूँगा, और वो लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, उसका एक एरे बना लूँगा, राइट, उसका एक एरे बना लूँगा और रैंडमली उस एरे में से मैं कोई एक आइटम में भेजूँगा। अच्छा, तो मैं तीनों क्वेश्चन यहाँ से ज़रा कॉपी कर लेता हूँ कि भाई कौन कौन से मैंने क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ से भी भेज रहा होऊंगा। कहाँ गया भाई मेरा, इन्वोकेशन तो नहीं है, इंट्रैक्शन, इंटेंट और नंबर ऑफ़ पीपल। नंबर ऑफ़ पीपल में मैंने ये तीन सवालात लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक सवाल हो गया, उसके बाद अब दूसरा सवाल लेकर आते हैं यहाँ पे। ओ कॉपी नहीं हुआ शायद सही तरह। क्या हो रहा है, शॉर्टकट काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये मैंने तीनों यहाँ पे लाके, तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे लाके रख दिया मैंने। अच्छा, अब इसमें से मुझे रैंडमली कोई एक पिक करना है और पिक करके मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, अब कोई बता सकता है सर? रैंडम नंबर यूज कर की लाइब्रेरी यूज कर लें और उस पर रेंज दे दें। मैथ डॉट रैंडम करके मेरे पास एक चीज़ होती है, वो मुझे क्या कर देता है, ज़ीरो से लेके वन तक का मुझे वो एक नंबर जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिर, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। मेरे पास एक लाइब्रेरी है जो मुझे ये काम करके दे देती है, उसको कहते हैं प्लक।
मतलब प्लक कहते हैं फूल तोड़ने को, जैसे ना फूल तोड़ते हैं तो प्लक का फ्लावर कहते हैं, तो इसमें से ना मुझे एक वो प्लक करके दे देता है, ठीक है, तो एक प्लक करके जब मुझे दे देता है इसमें से वो, तो मैं वो उठा के डाल देता हूँ। अच्छा वो कौन सी है लाइब्रेरी, वो है लोडेश। ठीक है लोडेश प्लक, व्हाट हैपेंड टू लोडेश प्लक, अरे प्लक हटा दिया क्या इन्होंने। वंस आई यूज प्लक, आई लव्ड प्लक फॉर प्लकिंग अ सिंगल। ओ भाई ओ भाई, ये तो बड़ा खतरनाक कर दिया कुछ इन्होंने। चलो प्लग का हम अपना बना लेते हैं यार, छोड़ो लोडेश को छोड़ो, सही है। यहाँ पे रीयूजेबल फंक्शंस कुछ बना के हम रख सकते हैं जाहिर है, तो ना यहाँ पे मैं एक रीयूजेबल फंक्शन बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ प्लग। ठीक है इसको मैं बार बार रीयूज़ करता रहूँगा। अच्छा इस प्लग के मैं अंदर क्या लूँगा, एरे एंड इनपुट लूँगा मैं इस प्लग में। अच्छा बल्कि प्लग बाय द वे इसने बुक में भी ना ये बनाया हुआ है छोटा सा ना, मैं कंट्रोल एफ करके लिखूंगा ना प्लग तो वो आ जाएगा, ये रहा ये इसने ना बनाया हुआ है सेम चीज़, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, अपना इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसने बुक में ये प्लग बनाया हुआ है। अब इस प्लग को मैं क्या करता हूँ, एरे देता हूँ ना, तो एरे में से ये क्या करता है, जैसे चार इंडेक्स है पांच इंडेक्स है तो उसमें से रैंडमली कोई एक आइटम उठा के दे देता है। ठीक है तो ये मैंने बुक से कॉपी कर लिया, बुक वाले ने ये बना के रखा हुआ है, और मैंने कहा प्लग, और मैं नीचे आके इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। कैसे इस्तेमाल करूँगा मैं भला, बुकिंग रूम वाले में गया, अब मेरे पास ये चार इंडेक्स है ना, तो मैं कहूँगा कि भाई प्लग करो और क्वेश्चन, असल में एस होगा ये क्वेश्चंस होगा, ठीक है जब भी एरे होता है ना तो एरे का नाम एस के साथ होता है लास्ट में, तो मुझे रैंडमली इसमें से कोई एक ये प्लग करके दे देगा। यही चीज़ मैं रीप्रॉम्प्ट में भी लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा डेलीगेशन ऑफ करने के बाद जब कोडिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है अच्छा अब आप नोट कीजिए कि इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं क्वेश्चन डिसाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोडेड क्वेश्चन डिसाइड कर लिए, लेकिन इस पॉइंट पे मैं डेटाबेस से भी ला सकता हूँ इसको। ठीक है वी कैन कॉल एन एपीआई कॉल कर सकते हैं, वहाँ से डेटा ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने ये, तो चलो पहला ही क्वेश्चन है ना, बंदे ने ये बोल दिया है कि भाई फोर पीपल, अब अगला सवाल मुझे पूछना है तो मैं क्या करूँगा, रूम टाइप पे यही सेम चीज़ पूरी मैं रूम टाइप पे लगा दूँगा। ठीक है इसको डुप्लीकेट किया मैंने, मैंने कहा एल्स इफ, ठीक है एल्स इफ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि वो चेन स्टेटमेंट बन जाए, कि जब तक एक कंप्लीट नहीं हो वो दूसरे पे ना जाए। ठीक है मिसाल के तौर पे अगर ये इसमें रिटर्न हो जाता है तो दूसरे पे वैसे भी ना जाए, तो चेन स्टेटमेंट है कि एक वक्त में एक को ही हैंडल कर रहा होगा वो। तो मैंने कहा कि अब क्या होगा, रूम टाइप डॉट वैल्यू, अगर रूम टाइप नहीं है मौजूद, ठीक है तो इसका मतलब जब अगर यहाँ पे पहुँच गया ये, तो इसका मतलब है कि पहली वाली वैल्यू मिल चुकी है जब ही यहाँ पे पहुँचा है, तो मैं इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा होगा, इस पॉइंट पे मुझे नंबर ऑफ पीपल की ना वैल्यू यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है ये मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने बोला है 10 पीपल, तो मैं इस पॉइंट पे ना डेटाबेस में लगा सकता हूँ क्वेरी कि भाई अगर 10 पीपल की जगह खाली नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या बोलो उसको कि भाई वी डोंट हैव 10 पीपल की प्लेस। ठीक है ठीक है, अगर ये सब कुछ ओके हो जाता है तो फिर अगला क्वेश्चन तैयार करो रूम टाइप के लिए कि भाई रूम टाइप आपको कौन सा चाहिए। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से क्वेश्चन तैयार करके भेज देते हैं। अच्छा रूम टाइप में चलते हैं जनाब, अब रूम टाइप में जो तीन क्वेश्चन लगाए थे वो भी हम लेकर आ जाते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन था पहला रूम टाइप का, ठीक है जी। एक तो अलेक्सा वालों ने क्या बनाया है ये जो है ना, इसमें शॉर्टकट काम नहीं कर रहा कॉपी का, हद होती है यार। ठीक है अच्छा अब यहाँ पे नोट कीजिए आप, इस क्वेश्चन में मैंने पिछले वाला एक डेटा भी इंक्लूड किया हुआ है। सही अब ये काम भी मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ,
ठीक है, कैसे करूँगा भला देख लेते हैं। चौथा तो मैं हटा ही देता हूँ। अच्छा, ये नंबर ऑफ़ पीपल जो यहाँ लगाया हुआ है ना, ये मैं लगा भी सकता हूँ, अपने पास भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब तो बंदा ये नंबर ऑफ़ पीपल बोल चुका है, जब ही तो ये यहाँ पहुँचा है, अगले पे पहुँचा है, अदरवाइज़ ये पहले इफ़ में ही फेल हो जाता, तो मुझे ये ना नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नंबर ऑफ़ पीपल लगा दूँगा मैं, और ऐसे ये कर दूँगा, तो यहाँ पे मुझे ये नंबर ऑफ़ पीपल मिलना शुरू हो जाएगा। सही है, और ये एक्चुअली डेटाबेस से लेके आएगा ये वाली वैल्यू। ये डेटाबेस से नहीं लाएगा, ये तो अभी बोला है ना बंदे ने, तो ये यहाँ पे है, स्लॉट में से है, स्लॉट में से ला रहा है ये, अच्छा है ना, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे देखें स्लॉट बना हुआ है ना ऊपर टॉप पे, ये रहा, करेक्ट, स्लॉट की वैल्यू है, हाँ यू स्लॉट की करेक्ट। वैल्यू है ये, के मतलब अभी सेकंड के लिए क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं हम, तो पहला वो बोल चुका है, राइट, पहला वो बोल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे पहला मिल रहा है, तो ये मैंने बोल दिया। बल्कि मेरा ख्याल है इसको मुझे तीनों में ही लगा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी बंदे ने बोला है ना अगली, मतलब उसको पलट के वो चीज़ बतानी होती है हमें वॉइस एक्सपीरियंसेस में, अदरवाइज़ ना बंदे को बिलीव नहीं होता कि पता नहीं जो मैंने बोला है वो समझ आया है इसके या नहीं आया। मशीन पे ना इतना भरोसा नहीं है बंदों को अभी। सही है, मैंने कहा ओके ओके फॉर पीपल, ठीक है, मुझे इसको भी बैकटिक बनाना पड़ेगा। सही है, अब इसमें मैंने क्या बोला, बंदे ने बोला भाई ओके फोर पीपल के लिए मुझे बुक कर दो, तो मैंने कहा ओके फोर पीपल प्लीज़ टेल मी टाइप ऑफ रूम। अच्छा, फिर मुझे सेकंड वाले में भी कहीं ना कहीं ये बात ऐड करनी चाहिए। फॉर फोर पीपल, फॉर फोर पर्सन व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक। सही है, तो मैंने तीनों में ही क्या कर दिया, जो बंदे ने इससे पहले बात बोली थी उसको शामिल कर दिया, ताकि बंदा यानी जब एक एक पैरामीटर दे पहला, तो अगला पैरामीटर देते हुए उसको पता चल जाए कि पिछला वाला पैरामीटर सही तरह से समझ जा चुका है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं इतने पे, ये ना कि यार ये इतना दो पैरामीटर ये सही तरह से पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। अच्छा, मेरा कोड ब्रेक तो नहीं है, सही है, मेरा कोड ओके है बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आया टेस्टिंग वाले पे, टेस्टिंग के पेज को रिफ्रेश कर लिया ताकि पुरानी हिस्ट्री गायब हो जाए, और ये भाई बहुत ही मुश्किलों से खुलता है। ओपन इन जमाम मलिक एंड बुक रूम। ओके, अब ये जो आया ना फॉर हाउ मैनी पीपल, ये कहाँ से आया है, ये फॉर हाउ मैनी पीपल, ये मेरे कोड में से आया है, राइट, ये मेरे कोड में से आया है फॉर हाउ मैनी पीपल। अच्छा, अगला सवाल भी मेरे कोड में से आएगा, तो उसमें ये तीनों में जो है वो शामिल है, तो वो ऐसे ही पता चल जाएगा हमें। ये मेरे अलेक्सा में से नहीं आ रहा, अब मेरी ये कोड में से आ रहा है। मैंने कहा फॉर फाइव पीपल, एंटर। ओके, फाइव पीपल, प्लीज टेल मी टाइप ऑफ रूम, वी हैव इकोनॉमी स्टैंडर्ड एंड लक्जरी रूम्स। ठीक है, तो ये वाला भी जो सवाल है ये कहाँ से आया है, ये मेरी कोडिंग में से आया है। ओके, फाइव पीपल प्लीज़ टेल मी द टाइप ऑफ रूम, ये वाला सवाल एलेक्सा में था ही नहीं, ये तो मैंने बनाया ही अभी है, ठीक है ना, शुरू में शामिल करके। तो ये इसने बात बिल्कुल सही समझ ली है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं कॉन्सोल को देखूं, ठीक है, कॉन्सोल को अगर मैं देखूं, स्लॉट्स वाला जो कॉन्सोल है मेरा, ये स्लॉट्स वाला कॉन्सोल किस जगह पे आ रहा है, ये आ रहा है लाइन नंबर 148 का जो 149 का जो कॉन्सोल है, ये वो कॉन्सोल है। ड्यूरेशन की वैल्यू नहीं मिल रही है, रूम टाइप की वैल्यू नहीं मिल रही है, नंबर ऑफ़ पीपल की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, मैंने अभी नंबर ऑफ़ पीपल बोल दिया है, और अभी जो सवाल पूछा है मुझसे इसने वो रूम टाइप का पूछा है। ठीक है, रूम टाइप की भी वैल्यू अभी तक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे इसको रूम टाइप की वैल्यू बता देता हूँ। मैंने कहा भाई गिव मी नॉर्मल रूम, राइट, नॉर्मल रूम है ना,
अच्छा नॉर्मल मेरे सिनोनियम में था, किस में था, एक दफ़ा देख लेता हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मल के अगेंस्ट मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, तो जब मैं नॉर्मल बोलूँ तो डेटाबेस में स्टैंडर्ड जाके सेव होना चाहिए, वो भी पता लग जाएगा अभी। For five person, what type of room would you like to book? We have economy, standard and luxury. ये क्या हुआ? Skill break हो गया। How many people? Five people. For five person, what type of room would you like to book? We have a normal room. For five person, what type of room would you like to book? We have economy, standard लगा के देखते हैं। सर इसमें कोई लूप तो नहीं लगाना पड़ेगा कि ये एग्जिट हो जाता है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं होता है? या ये खुद से ये रूम टाइप पूछता रहता है? ये रूम टाइप में ना कोई मुझे लग रहा है इशू है। मैंने जो बात लिखी थी, मैंने क्या लिखी थी, नॉर्मल रूम लिखा था ना। हाँ देख लेता हूँ, मैंने नॉर्मल रूम लिखा था तो सही है, नॉर्मल रूम एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो एक बार ही इसको मेरे ख्याल है अब सेव करके बिल्ड चला लेते हैं, दोबारा उसके बाद दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा दोस्त आप क्या पूछ रहे थे कि क्या एग्जिट हो जाता है? सर इसमें कोई लूप हमें इम्प्लीमेंट तो नहीं करना होगा कि वो बार बार वो उसको अगेन एंड अगेन वो पूछे जब तक उसको जवाब नहीं मिले, या ये खुद ही मैनेज करता है इसको? इसको जो है ना जब ऑटो डेलीगेशन इनेबल होता है ना तब तो ये उससे दो तीन बार पूछता है और उसको फॉल बैक पे लेकर चला जाता है, लेकिन जब मैंने ऑटो डेलीगेशन को डिसेबल किया हुआ है ना तो वो ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं कितनी बार पूछवाता हूँ उससे। सही है, लेकिन स्टिल ये आप जब करके देखेंगे तो ही आप इसको सही तरह से समझ पाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैं ना बाकी भी तीन के लगा देता हूँ, रूम टाइप था ना और क्या था हमारे पास, ड्यूरेशन। अच्छा अराइवल डेट, सही है। बिल्ड इसका देखते हैं भाई कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया है होपफुली। Sorry, this is error handler intent. What? Please try again. Sorry, this is error handler intent. Please try again. Sorry, this is error handler intent. Please try again. अभी अभी तो सही था ये। Sorry, this is error handler intent. Please try again. What is happening?
अच्छा, इस चीज़ को चेक करने के लिए ना हम क्या करते हैं, ये पूरा जो हमारा हैंडलर है ना, इस पूरे हैंडलर को हम ट्राई कैच में लिख देते हैं, ठीक है, मतलब टेम्प्रोरीली थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर इसके दरमियान में कोई ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से हमारा कोड पूरा ब्रेक हो रहा है तो वो हमें पता चल जाए। ठीक है जी, तो ये मैंने कर दिया कैच। क्योंकि अभी मेरे पास कोई पता लगाने का तरीका तो होना चाहिए ना। एरर अननोन एरर इन इंटेंट हैंडलर। अच्छा, ये मैं जस्ट पता लगाने के लिख रहा हूँ, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा क्या एरर है उसको मैं फिक्स करके उसको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। दोबारा मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी देर के लिए दोबारा मैं लगा दूंगा। अब मैं ज़रा कोड को कोलैप्स करके आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस पॉइंट पे लगा हुआ है और किस तरह से ये लगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से मेरा इंटेंट हैंडलर स्टार्ट है और ये है मेरा ट्राई, यानी जितना भी कोड है इसके अंदर वो सब कुछ ट्राई के ब्लॉक में लिखा जा चुका है और नीचे उसके एक कैच है, ठीक है। अगर इस ट्राई के ऊपर मैं हाथ रखूँ तो ये देखें, ये लाइन फॉलो करते हुए जाएंगे आप, तो ये लाइन कहाँ तक जा रही है इसको आप देखें, ये यहाँ तक आ रही है लाइन, ठीक है। तो वो ट्राई का ब्लॉक यहाँ तक है और सारा का सारा कोड मेरे ट्राई के अंदर है। अच्छा, ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होता है अगर उसमें कोई भी एरर आ जाए तो वो कैच का कोड चला देता है, और कैच में मैंने क्या करवा दिया, इस एरर को कंसोल करवा दिया, ठीक है। ये एरर जब प्रिंट होगा स्क्रीन पर तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एरर असल में है क्या, ठीक है। अब उसके आके पहले भी हमने ईसिंग अवेट लगाया था तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, वो जो वो वाला जो ट्राई कैच है ना वो यहाँ है। सॉरी, दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, प्लीज ट्राई अगेन। हाँ, ये इसका चाइल्ड है। इसके ऊपर फुल करके देना है, ये वाला एक ट्राई कैच है और ये हमारा जो है वो पेरेंट है इसका। हाँ, लेकिन ट्राई कैच के ऊपर एक एसिंक कमेंट भी लगाया हुआ है। नहीं, उससे असल में ये एसिंक, ये हाँ ये पूरा फंक्शन एसिंक है, इसको ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वो अवेट कहाँ पे लगाया था फिर, इसमें एसिंक यहाँ पे है, अवेट कहाँ पे है इसका? चलिए, थैंक यू। ये क्या किया मैंने, गड़बड़ किया। अच्छा, लेकिन अभी काइंड ऑफ ये हो रहा है कि ये चल के ही नहीं दे रहा, बिल्कुल ही मना कर दिया इसने चलने से। यार ये क्या सीन हो जाता है। ओ, बिल्ड कंप्लीट अब हुई है जाके? ओ नो, बिल्ड कंप्लीट का अब नोटिफिकेशन आया है। वाओ, दोबारा ट्राई करते हैं, मे बी इसकी वजह से हो रहा हूँ। अच्छा, बिल्ड चल रहा है। हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर डॉट इंज़माम मालिक, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क? आई कैन टेल यू हिज नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस। मैं उधर ट्राई कैश लगा के बैठा हूँ, वो पता चला वो बिल्ड फॉर हाउ मेनी कंप्लीट पीपल नहीं हुई थी, ये पता चला आखिर में। अच्छा, फॉर हाउ मेनी पीपल, मैंने कहा भाई 6 पर्सन। How many people do you want to book for? I wanted to book for 5 persons. Sorry, this is error handler intent. Please try again. Can you book a room? How many people? 5 people. For how many people? भाई क्या हो गया भाई, ओके, 5 पीपल, प्लीज टेल मी टाइप ऑफ रूम, वी हैव इकोनॉमी स्टैंडर्ड एंड लक्जरी रूम्स। अच्छा, मैं लास्ट टाइम हम नॉर्मल रूम ट्राई कर रहे थे और वो नहीं लग रहा था, तो मैं नॉर्मल रूम अगेन ट्राई करता हूँ। ओके, 5 पीपल,
Please tell me type of room. नहीं पता चल We have economy, standard and luxury rooms. रूम टाइप इसको नहीं पता चला अभी तक. मैं इसको क्या VIP रूम बोल दूं? Sorry, this is error handler intent. Please try again. वो आप जब भी टाइप कर जो VIP वो v.i.p बोल के लेता है. अरे हाँ यार, ये भी इसका एक प्रॉब्लम है. मुझे ये v.i.p ना, इसका सॉल्यूशन ये है, मुझे ये डालना पड़ेगा वहाँ सिनोनिम्स में ना. हाँ, टर्म एक्सेस में डालना पड़ेगा. हाँ. फिर सिनोनिम्स में डालना पड़ेगा. बट यार ये 5 FIV 5 को भी नहीं पकड़ रहा. हाँ, ये भी ये तो... नहीं, क्योंकि आपने 5 कहा और उसने नहीं पकड़ा, आपने जब 5 लिख के भेजा तब उसने पकड़ लिया. ये मुझे भी हाँ नहीं यार, समझ ये ग्लिच है बस इसका, ये ग्लिच करता है वो. मतलब बंदा तो 5 ही बोल रहा है, मतलब हमने नंबर पकड़ा हुआ है 5 सिंपल सा. तो सर ये पीपल को तो नहीं पकड़ रहा, ये 5 पीपल या पर्सन हमने लिखा था उसकी वजह से तो नहीं कर रहा ये. नहीं, अगर मैं जाके यहाँ पे देखूँ कि इंटेंट्स में अगर मैं नंबर देखूँ ना कि किस तरह से बंदा इसको जवाब देगा, तो अच्छा 5 पीपल यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ 5 लिखा हुआ है. बट सिर्फ 5 को भी नहीं पकड़ा था इसने. ये मैंने सिर्फ 5 लिखा तो इसने फिर भी पूछा मुझसे कि फॉर हाउ मेनी पीपल. सही बात है, सही बात है. एक और डाल देते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल और फिर वापस पीपल. फाइव पीपल सही है, एंड नंबर ऑफ पीपल पर्संस, ये कर सकते हैं हम इसके लिए. सही. अच्छा, ये यहाँ पे डायलॉग्स के बाजू में वैलिडेशंस क्या लिखा हुआ है मल्टी वैल्यू के नीचे? अच्छा, ये वैलिडेशन में ना वैलिडेटर्स कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं इसके अंदर, कि भाई अगर जैसे 5 मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो एक लिमिट सेट कर दूँ मैं कि भाई एक्सेप्ट लेस वैल्यू देन, और कुछ रूल लगा दूँ इसके ऊपर मैं ना. सही, सही. मैंने कहा कि लेस वैल्यू देन 4 10 या हाँ, मिसाल के तौर पर 5 पीपल, कि मेरे पास मैक्सिमम जो 5 बंदों का ही रूम है, तो वो 5 से कम को सेलेक्ट करें. ठीक है, या मैं मिनिमम जो है ना, 2 लोगों से कम का रूम ही नहीं है मेरे पास, तो इस तरह की चीज़ें मैं लगा सकता हूँ. बट आई एम नॉट श्योर कि उसको लोग यूज़ करते होंगे, क्योंकि यहाँ डेलीगेशन में भी मैं ये काम कर सकता हूँ ना. मैं डेलीगेशन में भी ये काम कर सकता हूँ इस जगह पर, कि यहाँ पे जैसे रूम सेकंड वाले पे ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल मुझे मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं इफ़ लगा लूँ एक और, कि भाई नंबर ऑफ़ पीपल कहीं 10 से ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं उसको बोलूँ भाई 10 से ज़्यादा बोल दिया आपने, गलत बोल दिया. हाँ. और रीप्रॉम्प्ट भेज दूँ साथ में मैं, कि भाई ये सही वाला बोलो, दोबारा से बोलेगा वो तो इसको सही वाला पकड़ में आ जाएगा. सर ये डेरिगेशन हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किस पर, ये इफ़ की कंडीशन को कह रहे हैं जो हमने लिखी हुई है? नहीं, जो ऑटो डेलीगेशन है ना, असल में और डेलीगेशन अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं प्लीज़ बताएगा कोई? डेलीगेट्स जो भेजते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, टू असाइन कह रहे हैं क्या? नहीं, आप जब तक आपको अंग्रेजी की डेफिनेशन पता नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. डेलीगेशन की कोई डेफिनेशन बता सकता है क्या होती है? अबे यार, रिप्रेजेंटेटिव मेरे ख्याल से होता है इसका. डेलीगेशन का डेलीगेशन ना भेजने को कहते हैं असल में ये लोग, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं. सही है, इन्होंने लिखा है अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स अ डिस्प्यूशन, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज बीइंग डेलीगेटेड. ठीक है, तो डेलीगेशन इज़ एन एक्शन, कि एक्शन है उसको डेलीगेशन उसको कहते हैं. ठीक है, डेलीगेशन वो लोग नहीं हैं, वो डेलीगेट्स हैं. डेलीगेट्स हैं जिनको भेजा जा रहा है, और डेलीगेशन इज़ अ प्रोसेस है ना,
ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस तरह करके भेजा जा रहा है, तो आप इसको मान लें कि ये जो लाल वाला है ना, ये जो लाल वाला है ये कोड है हमारा, ठीक है, और ये हरा वाला जो है ये क्या है, ये हमारा जो है इंटेंट है अलेक्सा का। तो अभी रिक्वेस्ट जब आएगी पहली बार, बंदे ने बोला बुक अ रूम, तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, इस हरे वाले पे आएगी ना, इंटेंट में पहुँचेगी हमारे। तो अभी इसी इंटेंट से उसका जो डेलीगेशन प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है, वो ऑटो डेलीगेशन में अलेक्सा ये बात डिसाइड करता है कि भाई कैसे होना चाहिए, तो वहीं से उसको क्वेश्चन देके वापस भेजता है, उसको कोड तक नहीं आने देता, ठीक है, अलेक्सा ये डेलीगेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जब हम ऑटो डेलीगेशन को डिसेबल कर देते हैं तो वो क्या करता है, वो हर रिक्वेस्ट ना पूरे आखिर तक पहुंच रही होती है, डेलीगेशन का कंट्रोल कोड में आ जाता है। सही सही सही। और हम क्या करते हैं भाई, अरे यार ये बिल्ड कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ पता कैसे चलेगा, नीचे पहले एक वो हिल रहा होता था। राइट में नोटिफिकेशंस का बेल का बटन। अच्छा यहाँ से यू हैव 49 रीसेंट सक्सेसफुल 3 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो कर दिया इसने तो। चलो चला के देखते हैं, हो गया होगा तो खुद ही चल जाएगा। Hello and welcome. How many people do you want to book for? How many people do you want to book for? भाई फाइव, एक काम करते हैं हम सारे को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक ही बारी इसके साथ हम चेक करेंगे, ये हम जरा चारों को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा अराइवल डेट को भी हम लगा लेते हैं, अराइवल डेट के सारे क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से, हम चारों 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 अराइवल डेट, ओके अराइवल डेट, अराइवल डेट, प्लीज़ टेल मी व्हेन यू आर कमिंग, चारों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या? शायद नहीं। और मैं इसको क्या कह देता हूँ कि ये भाई मेरे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं ना? हाँ होपफुली यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम पूरा SSML दे सकते हैं, असल में वो SSML अभी हम थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे। सही। अच्छा ठीक है जी, और मैंने कहा प्लग करके क्वेश्चन भेज दो और रीप्रॉम्प्ट में भी वही सेम चीज़ भेज दो, और मैंने कहा इसी तरह का क्वेश्चन कह रहे फिर होगा ड्यूरेशन के लिए भी, ठीक है, और चारों क्वेश्चन यहाँ से हमें लाने पड़ेंगे ड्यूरेशन के लिए भी उठाकर। ठीक है, रूम टाइप की जगह पे मैंने कहा रूम टाइप डॉट वैल्यू, यही है मेरा रूम टाइप, डॉट वैल्यू, और एक जगह और भी नंबर ऑफ पीपल डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, फिर हाउ मेनी पी, हाउ मेनी नाइट्स के आगे क्वेश्चन मार्क उसी लाइन, हाउ मेनी नाइट्स, यहाँ पे अगर हम 11 लिखें तो चलेगा, लाइक आर चेकआउट टाइम इज 11 डिजिट्स में लिखते हैं तो।
हाँ चलेगा तो सही, चलेगा तो सही है। तो मतलब हमें जैसा एक्सपेक्टेड है वैसे 11 ही कहेगा उसे। हाँ, वो उन्होंने पता नहीं वहाँ पे क्यों इस तरह किया हुआ है, मतलब ऐसे कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि ये असल में ना हर हर लाइन को SSML में कन्वर्ट भी करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, हर लाइन को SSML में। तो SSML में तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप लेटर में नहीं लिख सकते या उसमें मैं नहीं यही लिख सोच सकते। रहा था कि क्योंकि हम वहां पे जब भी लिख रहे थे तो वो हमें रोक क्यों रहा था, ये मैं नहीं समझ रहा हाँ, था। मतलब वो असल में प्री मेचर है थोड़े, ये ना मतलब ग्लिच है, काइंड ऑफ, दैट्स ऑल। इसको ग्लिच से ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलूँगा। जो अभी देखें, अभी जो हो रहा है हमारे पास ये अलेक्सा पे, ये भी ग्लिच है काइंड ऑफ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हाँ बिल्कुल न्यू है और आई एम नॉट श्योर कि इसको पे क्यों नहीं सही करते इसको। गूगल डायलॉग फ्लो का भी यही हाल है, गूगल असिस्टेंट का भी यही हाल है, लेकिन ज़ाहिर है अभी ये अच्छा बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएंगे खुद ही। अच्छा, असल में होता पता है क्या है, मतलब आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा यार गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, गूगल डायलॉग फ्लो का ये हाल क्यों है, या अलेक्सा इतनी बड़ी कंपनी मैं है, अलेक्सा का ऐसा क्यों हाल है। तो यही सोच हाँ, ये मैं इसका भी जवाब आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये ऐसा इस वजह से है कि हमारे लिए तो अलेक्सा स्किल किट है ना, मतलब हमारे सामने तो और तो कोई चीज़ है ही नहीं, अलेक्सा स्किल किट है और अलेक्सा की डिवाइस है। लेकिन कंपनी की नज़र में ना, जब एक बहुत बड़ा गेम आ जाता है जब, तो ये छोटे छोटे गेम ना इरेलीवेंट हो जाते हैं फिर, समझ रहे हैं। तो मे बी कि अलेक्सा के लिए ये, अलेक्सा कोई इतना बड़ा गेम करने जा रहा हो अगले 6 महीने में, कि उसके लिए अलेक्सा स्किल किट को इम्प्रूव करना इरेलीवेंट हो चुका हो अभी, ठीक है, या सही वो जानबूझ के इसको अपडेट ना कर रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा कस्टमर इससे अटैच ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोई सही चीज़ बहुत अच्छी चलती है तो लोग अटैच हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला चलो यार थोड़ा ग्लिच है, इसको रहने दो, अभी हम बड़ा गेम करने वाले हैं 6 महीने में, तो इसको इररेलीवेंट हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें फिर, ठीक है ना। सही तो मे भी इस तरह की कोई सिचुएशन है, जैसे अभी सलील मुझे आज सुबह भी मैसेज कर रहे थे कि एनवीडिया ने जो है वो पूरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर चुका है, काइंड ऑफ वो कर रहा है, बल्कि प्रोसेस में अभी। तो मे बी के जो है ना कोई अलाइंस बन रही हो तीनों चारों की, और अलाइंस बना के तीनों चारों साथ में मिलके कुछ करना चाह रहे हो, बहरहाल कुछ ना कुछ सीन है इस तरह का, यही वजह है कि वो ठीक नहीं हो रहा वो, वरना इनके लिए कोई मसले की बात नहीं है उस पर एक बंदा लगाना। वो मैटर आ रहा है, हमने बात की थी, मैटर हाँ इज गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज डिफरेंट हाँ क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर वॉइस डिवाइसेस। ठीक है जी। तो मैंने ये चारों पे लगा दिया जो हमें लगाना था, और चारों पे लगाने के बाद अब ज़रा इसको हम दोबारा से एक बारी का टेस्ट करते हैं। Hello and welcome. How many people do you want to book for? How many people? यार मुझे लग रहा है ये सिमुलेटर का भंड है, मैं अलेक्सा की ऐप से करता हूँ ये, सही है। अलेक्सा की ऐप कहाँ गई भाई, अलेक्सा की और एक भी सिमुलेशन की वेबसाइट है ना, आई एम नॉट एको सिम श्योर। करके, वो एको सिम इको मेरी। सिम जो है ना, वो बंद हो गई है शायद अपना, वो इको सिम को बंद कर अच्छा दिया है उन्होंने। इको सिम जो है ना, वो थी एक वेबसाइट अच्छी सी, लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने, उसको रिटायर कर दिया अप्रैल 5 को। करेक्ट, मतलब अप्रैल 2021 में खत्म हो गई थी, हाँ साल हो गया इसको। अच्छा, तो ये मैंने अलेक्सा खोल दिया, अलेक्सा ओपन इंजमाम मलिक एंड बुक अ रूम। How many people? 5 people For how many people? I wanted to book for 5 person. Sorry, this is error handler intent. Please try. भाई ये तो उस पर भी यही कर रहा है, अब जितने भी देख रहे हैं स्क्रीन मेरी, देख के बताओ भाई ये एरर क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से एरर आ रहा है।
हम एक बार ही कोड को देख ले, बस कोड देखने का है, मैं सब नहीं किया। कोड को देख लेते हैं क्यों कोड में ना, क्योंकि ये इंटेंट पे आ ही नहीं रहा है। कोड में क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली जा रहा है एरर हैंडलर पे डायरेक्टली। लेकिन वो मतलब मेरे ख्याल से एरर हैंडलर पे इसके लिए जा रहा है क्योंकि हम जो उसको रिस्पांस दे रहे हैं वो उसको पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन वो तो अब एलेक्सा के मॉडल पे हमने जवाब अटल से दिए हुए हैं, अब उसको पकड़ना है। हम हमारा वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो आई डोंट नो। अब ये हमने चार जो है इफ लगाया हुआ है, ये चार इफ है हमारे पास। इसको तो पूरे को मैंने ट्राई कैच में रख के देख लिया है, लेकिन वो रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचने से पहले ही ब्रेक हो जा रही है कहीं। सही है, बुक रूम इंटेंट हैंडलर, और ये है मेरा एरर हैंडलर। इस एरर हैंडलर में एरर को जेसन करके वो भी किया हुआ है, एरर हैंडलर को जेसन करके ना एरर को प्रिंट भी किया हुआ है यहाँ पे। सही लेकिन उस प्रिंट सही में मेरे पास क्या आ रहा है, नेम जेनेरिक रिक्वेस्ट डिस्पैच एरर। हाँ, इसको इसको गूगल कर लेते हैं ना कि ये जेनेरिक रिक्वेस्ट डिस्पैच एरर क्या चीज़ है, हाउ टू फिक्स। ये किसी ने भी सवाल पूछा हुआ है कि भाई आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बेसिक ऑनलाइन रेडियो स्ट्रीम सिस्टम, इसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। हाय एंड्रयू, विच डिवाइस यू हैव टेस्टेड ऑन? आई ट्राई टू टेस्ट इट ऑन इको डॉट, प्रॉबली फर्स्ट सेकेंड जनरेशन वॉज गेटिंग द एरर। आई जस्ट डिप्लॉयड इन माई एनवायरमेंट यूजिंग एलेक्सा होस्टेड वेरियंट एंड डिड द टेस्ट वेब वर्जन। कोई खातिर ख्वाह जवाब किसी ने नहीं दिया है। अनेबल टू फाइंड द सूटेबल रिक्वेस्ट हैंडलर। टूल्स करके इन द पास्ट ईयर करें सर्च रिजल्ट्स में। ये 2.5 साल पुराना जवाब दे रहा था। ये भी क्वेश्चन पुराना है लेकिन इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। विच सजेस्ट नो हैंडलर कैन हैंडल दिस केस। मेरे ख्याल से ये रैंडमली हमें तब आ रहा होगा कि अमेज़न वाले पीछे कुछ अपडेट कर रहे होंगे, ये शायद पॉसिबिलिटी है। मे बी लेकिन अब तो दिन दिन हो रहा है, तो दिन में तो ये लोग अपडेट नहीं करते, ये लोग मिडल ऑफ द नाइट अपडेट करते हैं हमारे लिए। अभी वाशिंगटन में दिन के 12, पौने 12 हो रहे हैं। हाँ मतलब अगर आप ये कह रहे हैं वॉशिंगटन स्टेट कह रहे हैं, तो अभी सुबह के 9:45 लाइक 9:40 होने वाले, 8:40 होने वाले हैं। हाँ, तो ये लोग उधर ही है ना, वाशिंगटन डीसी वगैरह की साइड पे ही, न्यूयॉर्क की साइड पे। वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, ये लोग वेस्ट कोस्ट पे है, वॉशिंगटन स्टेट में अच्छा, ये सियाटल में वेस्ट है। पे है, सही है। ये सर ये आ कौन सी लाइन पर है? यार ये किसी भी लाइन पे नहीं आ रहा ना, यही तो मसला है। दोबारा मैं ये हिट टू करता हंड्रेड हूँ करके जो लिखा हुआ है ये। ये, मैं दोबारा दोबारा से हिट करता हूँ। अभी आप लोग ही इसको डायग्नोज करें, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ देख रहा हूँ। मैंने कहा आस्क इंजमाम मलिक टू बुक अ रूम, एंटर। हाउ मेनी पीपल डू यू वांट अ बुक फॉर? ठीक है, हाउ मेनी पीपल डू यू वांट अ बुक फॉर, पहली रिक्वेस्ट मेरे पास आके गई है, राइट? ये स्लॉट्स आए हैं मेरे पास, ये अभी की रिक्वेस्ट है, ये जो अभी अभी आई है मेरे पास, राइट? सही अच्छा, अब जो सेलेक्ट कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने कहा भाई बुक फॉर 5 पीपल। हाउ मेनी पीपल डू यू वांट अ बुक फॉर? अब मेरे पास यहाँ रिक्वेस्ट ही नहीं आई है, ये हो रहा है भाई। मैं एग्जैक्टली देख लेता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वो देख के मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर 5 पर्सन, ये कर देता हूँ फॉर 2 पर्सन। यार मैं समझ गया ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया, ये वैलिडेशन में जाके मैंने कुछ ऐड किया था उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। अबे नहीं, ये तो है ही नहीं वैलिडेशन में, कुछ रूम टाइप में किया था ना मैंने, किस में किया था? बहरहाल सब में चेक कर लेते हैं, लेकिन
मुझे नहीं लगता आपने कि कोई शुरू किया था, आपने दिखाया था। लेकिन डिलीट भी कर दिया था। जेसन एडिटर में जाके एक बार नज़र मार लेते हैं। अच्छा, जो भी हम बना रहे हैं ना इंटेंट, उसका ये जेसन फॉर्म है। तो अगर एक अकाउंट से उठा के दूसरे पे डालना हो तो इस पूरे को कॉपी करके दूसरे पे डालेंगे। गिटहब में सेव भी कर सकते हैं इस तरह करके। नेम वेदर इंटेंट बुक रूम, बुक रूम यहाँ से शुरू हो गया भाई। स्लॉट स्लॉट सैम्पल्स, ये सैम्पल्स आ गए भाई। टाइप आ गई, ठीक है। ये दूसरा इंटेंट आ गया। अब एलिसिटेशन क्या स्लॉट का आईडी है कुछ? ये जो प्रॉम्प्ट हमने बनाया हुआ है ना, ये प्रॉम्प्ट की आईडी है। ये इसके ऊपर प्रॉम्प्ट्स में एलिसिटेशन लिखा हुआ है लाइन 233.6 में। हाँ ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये एक्चुअली प्रॉम्प्ट की आईडी लिखी हुई है, और यही आईडी नीचे हाँ कहीं ना कहीं बनी हुई होगी। अगर मैं ओके कंट्रोल एफ कर सर। लूँ यहाँ पे और इसको मैं पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भी नज़र आ जाएगी। इसके लास्ट में क्या था, 203 था ना। तो ये जो प्रॉम्प्ट्स लिखा हुआ है, इसमें 203 का कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन वो 101 बता रहा है। ये 203 आ गया। अच्छा ओके 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 कंट्रोल एफ में भी सही प्रॉब्लम आ गई। सही सही क्लियर। अच्छा, तो वैलिडेशन तो यहाँ पे भी शो तो नहीं हो रहा। सेव करके बिल्ड मॉडल करके वापस से देखते हैं और क्या। इसको मैंने कट किया यहाँ से, और कट करके इसको मैंने सेव किया ऐसे, ठीक है, ऐसे सेव किया ताकि वो थोड़ा ये क्या हुआ। आपने स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वो मैंने इसके लिए पूरी उड़ा दी। अरे भाई पूरी, अच्छा ऐसे करने से स्किल उड़ जाती है, ये भी मुझे पता चला आज। हाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ऐसे करने से पूरी स्किल उड़ जाएगी। इन्वोकेशन मॉडल यार, मैं कंट्रोल जेड करके एक बार देखूँ भाई, सब उड़ा दिया इसने तो। चलो पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये पक्का पक्का पुराना वाला ख़त्म हो चुका है। और बिल्ड मॉडल, एसेंशियली हमने स्किल ही रीबिल्ड डिलीट करके रीबिल्ड किया, तो हाँ अगर अब नहीं चल रहा तो वी शुड प्रिज्यूम कि कुछ अलेक्सा के साइड पे इशू है। बिल्ड कंप्लीट। ओपन इन जमाम मलिक एंड बुक रूम। हाउ मेनी पीपल डू यू वांट अ बुक फॉर? आई वांटेड टू बुक फॉर 5 पीपल। What type of room would you like to reserve for five person? चल बड़ा इस We बार have economy, standard and luxury rooms. गिव मी अ नॉर्मल रूम। For five person, what type of room would you like to book? We have ये समझ नहीं economy, आ रहा। standard and luxury rooms. नॉर्मल रूम, ये स्टक हो रहा है भाई यहाँ पे, ये स्टक हो रहा है यहाँ पे। अभी किस वजह से हो रहा है ये, अभी अननोन है ये रीज़न कि
कि ये किस वजह से स्टक हो रहा है यहाँ पर। अच्छा खैर, तो कुल मिला के बात ये है कि जो डेलीगेशन स्ट्रेटजी थी वो काइंड ऑफ आपको आइडिया हो गया कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे होटल बुकिंग के केस में हमें जो वाली हम अभी बुकिंग कर रहे हैं इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें डेटाबेस में लुकअप करना है उसको सवाल करने से पहले, तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं ये डेटाबेस में देखना चाह रहा हूँ कि इसी 5 पीपल वाले रूम ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, या सारे ही रूम बुक हैं, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और होपफुली मैं भी दोबारा से क्लास ख़त्म करके इसको एक बार ही चेक करूँगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर मुझे कोई समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बाद में अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि यार ये क्यों हो रहा था मेरे पास। और अगर तो ये अलेक्सा की साइड से इशू हुआ, तो होपफुली ये नेक्स्ट क्लास तक वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज़ देखिएगा। तो हम इसको अभी इतने पे ही रोक के हम ज़रा SSML कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेलीगेशन में ना इससे ज़्यादा कुछ है नहीं और जितना हम देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ़ इफ़ करके 4 इफ़ लगा दिए, कहाँ गया ये मेरे पास जो है ना, अरे वो कहाँ चला गया 4 इफ़, ये बुकिंग के अंदर होगा ना, बुकिंग वाला इंटेंट जो है, इसके अंदर मैंने ये 4 इफ़ लगा दिए कि भाई अगर नंबर ऑफ़ पीपल नहीं हो तो पूछ लो उससे, रूम टाइप नहीं हो तो पूछ लो। ये 4 इफ़ के बाद जब अगले यहाँ पहुँचेगा ना जब कोड, इसका मतलब है वो 4 ही चीज़ें मिल चुकी हैं मुझे, ठीक है। तो अब इस 4 इफ़ के अंदर आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वो आप करके देखने वाली चीज़ है, करके देखिएगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, अगली क्लास में मुझसे पूछिएगा। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ इफ नॉट पे नहीं, ये इफ पे भी कि मतलब वो जो हम वैलिडेशंस में जो चीज पढ़ रहे थे वो भी हम यहाँ पे कर सकेंगे। एग्जैक्टली, इससे कम हो तो, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं, वैलिडेशन करके वापस उसको बोल भी सकते हैं कि भाई ये आपने गलत भेज दिया, ठीक है। तो अभी तो हमने काफ़ी सारे में हमारा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ SSML के लिए भी मैं एक नया इंटेंट बना लूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे SSML के लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक नया इंटेंट बनाऊँ और उसका मैं नाम रख दूँ, इंटेंट्स, और एड एन इंटेंट, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई सिंग मी अ सॉन्ग, नहीं इसमें क्या बोल रहा है, स्पेस नहीं हो सकता, सिंग सॉन्ग, सिंग बर्थडे सॉन्ग, ठीक है, क्रिएट कस्टम इंटेंट, सिंग बर्थडे सॉन्ग का मैंने कर दिया। अच्छा, अगर बंदा बोलता है कि भाई सिंग मी अ सॉन्ग, ठीक है, सिंग मी अ बर्थडे सॉन्ग, सही है, या सिर्फ बर्थडे सॉन्ग, विश मी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ये बातें अगर बंदे ने बोल दी, से हैप्पी बर्थडे, काफी हो गया आई थिंक इतना। अच्छा, इसमें किसी किस्म का कोई मेरे पास इनपुट नहीं है जो मुझे यूजर से लेना है, और मैंने इसमें मेरा ख्याल है जब इनपुट नहीं है तो डेलीगेशन स्ट्रैटेजी भी इसी वजह से देखें डिसेबल है, क्योंकि डेलीगेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, इनपुट कोई नहीं है तो डेलीगेशन स्ट्रैटेजी किस बात की, जैसे ही बंदा बोलेगा सीधा कोड में लेकर जाएगा मुझे ये। तो मैं यहाँ से बर्थडे सॉन्ग का ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको बिल्ड मॉडल का बटन दबा देता हूँ ताकि ये पीछे पीछे बिल्ड होता रहे, हम वहाँ पर इसका एक नया इंटेंट हैंडलर बना लें। मैंने क्या किया, बुक इंटेंट वाले को कॉपी किया, और ये कितना लंबा बना दिया था मैंने, सही है, बुकिंग वाले की मैंने एक कॉपी बना ली, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया सिंग बर्थडे सॉन्ग इंटेंट हैंडलर, और यहाँ पे मैंने रूम इंटेंट को ऐसे कर दिया, सही है जी। और इसके अंदर का जो भी कंटेंट था सारा मैं रिमूव करूँगा, ठीक है, अंदर का सारा कंटेंट मैंने रिमूव कर दिया। अब मुझे यहाँ से जो रिटर्न करनी है चीज़, वो मुझे रिटर्न करना है एक अदद हैप्पी बर्थडे। कैसे रिटर्न करूँगा मैं, सिंपल है, जो जो रिटर्न करने वाली चीज़ है ना यहाँ पे, ये जो चीज़ है जिससे मैं रिस्पांस भेजता हूँ बंदे को, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से और मैं इसको रिस्पांस बना के भेज दूँगा, ठीक
ठीक है, और इसके अंदर स्पीक में मैं क्या रखूँगा, मैं रखूँगा भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, सिंपल रख दिया मैंने। रीप्रॉम्प्ट में, रीप्रॉम्प्ट बल्कि मुझे रखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस हैप्पी बर्थडे बोल के स्किल एग्जिट मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया भाई, मेरा हैप्पी बर्थडे का एक स्किल तैयार हो गई। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि हैप्पी बर्थडे ना मुझे इस तरह से नहीं बोलना है, हैप्पी बर्थडे मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड होके बोलना है ऑफकोर्स, क्योंकि यार बर्थडे विश हो रही है अभी, या कोई ऐसी बात है जो मुझे सैड होके बोलनी है, तो मैं वो काम कैसे करूँगा, वो काम मैं करूँगा SSML के ज़रिए। ठीक है, मैंने कहा भाई अलेक्सा स्किल किट और साथ में SSML लिख दिया मैंने, और ये मैंने गूगल सर्च कर दिया। जैसे ही मैंने गूगल सर्च किया तो ये कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या हुआ। SSML जस्ट लिखता हूँ मैं, और साथ में मुझे अलेक्सा लिखना पड़ेगा क्योंकि गूगल वालों का भी तो एक है ना। ये आ गया भाई अलेक्सा का SSML। ओके, तो जनाब ये है मेरी SSML। अच्छा, SSML क्या है? अलेक्सा और गूगल के SSML में कोई डिफरेंस है? जी डिफरेंस है, डिफरेंस बिल्कुल है। एक तो W3 वालों का ना, W3C करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक स्टैंडर्ड है SSML के अंदर, ठीक है, तो वो तो एक स्टैंडर्ड SSML है। लेकिन क्या किया हुआ है, गूगल वालों ने कुछ अपनी तरफ से चीज़ें एक दो ऐड की हुई हैं, ठीक है, अमेज़ॉन ने अपनी तरफ से कुछ एक दो चीज़ें ऐड की हुई हैं, बाकी जो जो W3C वाला है ना वो सब में कॉमन है। अच्छा, कुछ एक दो W3C का ऐसा है जो दोनों ने अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ, इस तरह के भी कुछ एक दो हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ने अपना अपना बनाया हुआ है। अच्छा, जैसे अभी टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट है, सेंटेंसेज हैं, पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, ब्रेक है कि कितना वक्फ़ा देना है एक जुमला बोल के, उसमें वो सब चीज़ें सेम है। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया हुआ है SSML के बारे में कि यू कैन यूज़ स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि SSML इन योर आउटपुट स्पीच टू कंट्रोल हाउ अलेक्सा जनरेट द स्पीच। ठीक है, अब आपने तो भाई एक जुमला लिख के दे दिया कि हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी अलेक्सा उसका उसका जो आवाज़ है वो कैसे जनरेट करेगी, वो SSML के ज़रिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो डिफ़ॉल्ट एक कन्वर्ट कर देगी वो, लेकिन आप उसको थोड़ा उतार चढ़ाओ भाई, लहजे का काफ़ी चीज़ें रहती हैं एक बात में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन ऐड अ पॉज एंड अदर स्पीच इफ़ेक्ट्स। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि भाई एक जुमला है उसमें बीच में एक जगह पे पॉज लगाऊँ मैं, 2 सेकंड रुके बंदा वो बोलने के बाद, तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर मुझे स्पीच सिंथेसिस के अंदर लिखना है तो मुझे इस जुमले को ऐसे करके लिखना होगा, स्पीच का टैग ओपन और स्पीच का टैग क्लोज। ठीक है, अब मुझे कैसे करके लिखना होगा, बल्कि मैं इसका एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ ना ऊपर, मैं कह लेता हूँ कि स्पीच इक्वल्स दिस। ठीक है, मैंने कहा लेट स्पीच इक्वल्स दिस, और इसको मैं ज़ाहिर स्ट्रिंग में रखूँगा, तो स्ट्रिंग बैकटिक अगर हो तो सही है, क्योंकि बैकटिक ना मल्टी लाइन सपोर्ट करता है, जो बगैर बैकटिक वाला होता है ना डबल कोटेशन जो, वो मल्टी लाइन को सपोर्ट नहीं करता वो, तो बैकटिक में ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, अभी आप नोट कर रहे हैं कि VS कोड ना ये इसको समझता नहीं है, SSML को ना समझता नहीं है VS कोड अभी तक, लेकिन ये है कि कुछ ही दिनों में इसकी भी वैलिडेशन वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में अगर SSML लिखा हुआ हो तो VS कोड को समझ में नहीं आता। खैर, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा मैंने, और यहाँ पे वो मैंने पूरा स्पीच पास कर दिया, स्पीच मैंने सही लिखा है, स्पीच में डबल ही होता है, सही है। प्रोग्रामिंग करते हुए ना स्पेलिंग का खास ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक दो जगह अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर पूरे में वही करना पड़ता है। स्पीच का मैंने ये बना लिया, अब इस हैप्पी बर्थडे टू यू को मैंने स्पीक के टैग में लगा दिया, ये मेरा सबसे बेसिक SSML है, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसको एज अ सेंटेंस बोलना है आपने, ठीक है, इसको एज अ सेंटेंस बोलना है, ठीक है। अच्छा, अगला सेंटेंस क्या होगा भाई, हैप्पी बर्थडे का जो सॉन्ग है उसमें क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू,
उसके बाद अगेन होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट, तो उसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ब्रेक लगाओ, ठीक है। ब्रेक का टैग देख लेते हैं कि ब्रेक के टैग में कैसे है। ये आ गया ब्रेक का टैग, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ब्रेक ना इस तरह से लगेगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा अगर ऐसे करके लगाऊंगा मैं। तो मैंने कहा भाई ब्रेक दे दो, कितने का, 3 सेकंड का नहीं, 1 सेकंड का ब्रेक दे दो, या मैं 500 ms भी कर सकता हूँ इसको, राइट। यहीं पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 500 ms भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा, ms भी कर सकता हूँ मैं और s भी कर सकता हूँ, s फॉर सेकंड, ms फॉर मिली सेकंड। तो 500 ms का मतलब होता है आधा सेकंड, तो आधा सेकंड ये रुके यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोकना भी नहीं चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ, टैग्स हैं इसमें, स्पेसेस मैटर नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें, इतना और रुके ये बोलने के बाद, और फिर एक और सेंटेंस दोहराइए, और वो सेंटेंस क्या हो, मेरे ख्याल इसको हम करते हैं 1 सेकंड। पहली दफ़ा में 1 सेकंड रुकेगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, ठीक है। और इस बारी ये 500 ms रुके, सही, ये हमने लगा दिया इतना। इसको मुझे टेस्ट अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसको टेस्ट करने की भी एक जगह मौजूद है, और वो जगह है कहाँ भला, हमारे टेस्टिंग के कॉन्सोल में, जो एलेक्सा सिमुलेटर के पड़ोस में वॉइस एंड टोन लिखा पा रहा है, यहाँ पे मैं ला के इसको टेस्ट भी कर सकता हूँ। मैंने प्ले किया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। अभी आपने नोट किया कि ये जो मैंने ब्रेक लगाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्रेक, राइट, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्रेक, तो मुझे उस ब्रेक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको मुझे 300 ms करना पड़ेगा, और जो बाद में लगा हुआ है उसको मुझे 100 ms करना पड़ेगा, सही है। और अब मैं देखता हूँ कि डिफरेंस है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Inzamam. Happy birthday to you. सही है, अभी कुछ 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 थोड़ा सही है, लेकिन बेकार है अभी भी ये। अच्छा, फिर उसके बाद है इमोशंस इसके अंदर, कि इमोशन कैसे हो उसको बोलते वक्त, एक्साइटेड हो या डिसअपॉइंटेड हो, इंटेंसिटी उसकी क्या हो, ठीक है ना। मतलब एक्साइटेड हो तो कितना एक्साइटेड हो, लो मीडियम या हाई, बहुत एक्साइटेड हो। डिसअपॉइंटेड हो तो कितना हो, लो हो मीडियम हो या हाई हो। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये गूगल में अभी तक नहीं आई है, ये इमोशन अभी एलेक्सा में ही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, पूरे सेंटेंस को ना मैं अपने इमोशन में डाल दूंगा और एक्साइटेड कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। मैंने अपने पूरे सेंटेंस को उठा के क्या कर देना है, एक्साइटेड कर देना है, कि भाई ये जितने भी सेंटेंसेज हैं ना ये सारे एक्साइटमेंट में बोले जाएँ। कट, और मैंने कहा ये, ठीक है, ये पूरे सेंटेंस इसके अंदर आ गया अब, ठीक है। इसका सेंटेंस हटा देता हूँ, मैंने कहा एक्साइटेड करें और इसको कर दिया हाई, मैंने हाईली एक्साइटेड होके ये बोले इसको। अब देखते हैं हाईली एक्साइटेड होने के बाद ये कैसे करके मुझे हैप्पी बर्थडे बोलता है या बोलती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा अच्छा ये जो मैंने डॉट लगाया हुआ है ना, जो फुल स्टॉप, इसका मतलब भी होता है कि ना कुछ कुछ पॉज लेता है इसकी वजह से भी, इसकी वजह से शायद ये। तो मैं ना जब SSML लिखूंगा ना तो मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, राइट। या अगर मैं डॉट लगाऊंगा ना तो वो भी ब्रेक का काम कर रहा होता है, तो मैंने डॉट हटा दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, एक मिनट, एक और डॉट था वो भी हटाया मैंने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, कुछ बेहतर हुआ है। अच्छा, आई थिंक जो लास्ट वाला है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, और उसके बाद जो हैप्पी बर्थडे, ये ना एक ही सेंटेंस में बोला जाता है, ये अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है, एक ही सांस में बोला जाता है ये, है ना। तो मैंने उसमें से ना सेंटेंस हटा दिया, मैंने कहा एक ही सेंटेंस है, बस बीच में ब्रेक देना है, तुमने 100 ms का ब्रेक देना है। अब इसको ट्राई करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, हैप्पी बर्थडे टू यू।
ठीक है, अब कुछ बेहतर हुआ, सेकंड वाला सेंटेंस। अच्छा, जब ये हम सेंटेंस में उसको पैक करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटेंसेस में ना कुछ ब्रेक देता है, मतलब एक सेंटेंस को ख़त्म करके दूसरे सेंटेंस में कुछ ब्रेक देता है ये, राइट? तो आई थिंक उस ब्रेक की वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा ब्रेक लगाने की ज़रूरत शायद नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक्स्ट्रा ब्रेक को हटा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, तो जब ये एक सेंटेंस को ख़त्म करेगा ना और दूसरा बोलेगा, तो बाई डिफ़ॉल्ट उसके दरमियान में कुछ वक्फ़ा देगा, तो मेरा ख्याल है उसमें ब्रेक बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Inzamam. Happy birthday to you. अच्छा, आई थिंक इसको भी मुझे ना दोनों को एक, ये पूरा ही एक सेंटेंस में होगा, ये पूरा ही एक सेंटेंस में होगा, और मैं इसको कुछ यहाँ पे भी कुछ ब्रेक लगा देता हूँ, 200 मिली सेकेंड का ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी न्यू हूँ SSML के साथ, तो मैं भी थोड़ा देख के और तुक्का लगा के और फिर कुछ गैसेस करके और फिर कुछ ना कुछ करके बनाता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Inzamam. Happy birthday to you. काफ़ी बेहतर कर लिया हमने उसको, ठीक है? तो ये हमारा एक SSML तैयार हो गया जिसमें एक ही सेंटेंस है, ये पूरा एक ही सेंटेंस में बोला जा रहा है, ठीक है? और बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लगा लगा के मैंने उसको मतलब सेट किया हुआ है थोड़ा। अच्छा, ये मेरा एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया, और इसमें मैंने इमोशन भी ऐड कर दिया। अच्छा, इमोशन के अलावा आप ज़रा हम नज़र मार लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये पूरा स्पीच जो है ना, मैं यहाँ से कॉपी करके अपने कोड में लेकर आ जाता हूँ, ठीक है? मेरे कोड में जो सिंपल सिंपल लगा हुआ था, अब वो काफ़ी एडवांस किस्म की स्पीच बना ली है मैंने। ओ Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Inzamam. Happy birthday to you. सही है जी, ये मैंने ना प्रॉपर स्पीच तैयार कर ली पूरी अपनी। अच्छा, अब ज़रा हम SSML के जो टैग्स है ना, उसको ऊपर से नीचे तक पूरा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है, राइट? अच्छा, टॉप से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मेरे पास है अफेक्ट। अफेक्ट में क्या है भाई, के विस्पर करके बोलना है, ठीक है? या क्या अफेक्ट ओवर डोमिनेंट। यार, विस्पर है, अप्लाई एज विस्पर इफेक्ट। भाई, विस्पर के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए ना, विस्पर एक ही है बस, विस्पर इफेक्ट। डोमेन में चलते हैं, डोमेन क्या है? अमेजोन डॉट डोमेन नेम कन्वर्जेशनल। आई रियली डोंट नो वट इट इज़, मुझे भी नहीं पता कि ये डोमेन क्या है। अच्छा, हाँ, आई आई थिंक आई आई ओके ओके ओके, गॉट इट। डोमेन म्यूजिक, डोमेन फन, वो वाला है ये शायद इन्होंने अभी ऐड किया है मे बी। अप्लाइज डिफरेंट स्पीकिंग स्टाइल टू द स्पीच, द स्टाइल। अच्छा, तो सही है ना, हमारा वाला सॉन्ग में आता है, तो मैं इसमें सॉन्ग लगा दूंगा मेरे वाले में, तो मेरा वाला क्या बन जाना चाहिए? सॉन्ग। अच्छा, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह पड़ेगा, म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह पड़ेगा। स्वीट चाइल्ड ओ माइन, ये पूरा इसने सॉन्ग लिखा हुआ है इसमें, सही हाँ, है तो ना? म्यूजिक में हम डालेंगे फन है, अगर कोई जोक है तो उसको फन की तरह पड़ेगा। क्या बात है यार, ये भी गूगल में नहीं है। हाँ, ये नया है, लेकिन ये नया है, ये मैंने भी SSML में नहीं देखा था रिसेंटली। ठीक है, एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड के अंदर मैंने ये सॉन्ग लगा दिया, ठीक है? और ये बंद कैसे होता है? ये ऐसे बंद होता है, एक्साइटेड के अंदर मैंने ये सॉन्ग लगा दिया के अब देखते हैं कैसे पड़ता है इसको ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंज़माम, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार, ये तो मेरे काफी ख्याल से डोमेन बाहर रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। यस, डोमेन के अंदर फिर आवाज है, इमोशन है रादर। Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Inzamam. Happy birthday to you. एक मिनट, इनका वाला जरा लगा के देखते हैं, इनका वाला कैसा आ रहा है। Sweet Child of Mine by Guns N' Roses became one of their most successful singles, topping the Billboard Hot 100 in 1988. Slash's guitar solo on this song was rated the I get 30. What they're talking about. So what they're talking about कि इसमें म्यूजिक का कॉन्टेक्स्ट है,
और उसके वजह से स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, ये गन्स एंड रोजेस का एक सॉन्ग है ये बताने के लिए, क्योंकि वो वरना पढ़ नहीं पाएगा ना, वो जैसे लिखा है वैसे। ओके गॉड, मतलब ये हमारे वाले में नहीं लगेगा ये? नहीं। अच्छा फिर हम देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट में अभी तक एक ही इफेक्ट है शायद, विस्पर, उसके अलावा कोई अभी आ नहीं रहा। विस्पर से क्या होगा कि वो ना ऐसे ऐसा लगेगा कान में कह रहा है कोई ऐसे करके ना, इसको आप चला के देखिएगा सब लोग प्लीज़। उसके बाद इमोशन है, इमोशन हमने देख लिया है, लगा के भी देख लिया। इमोशन के बाद है ऑडियो। ऑडियो में हम क्या कर सकते हैं, एक MP3 फाइल का लिंक इसको दे सकते हैं, राइट। MP3 फाइल का मैं इसको लिंक दे सकता हूँ। अच्छा मैं कैसे दूंगा लिंक भाई, कोई होस्टेड फाइल होनी चाहिए मेरे पास। तो होस्टेड के लिए मैंने क्या फायरबेस होस्टिंग पे, फायरबेस स्टोरेज में ना कोई फाइल मैंने स्टोर कर ली, राइट। कोई फाइल मैंने MP3 बना के स्टोर कर ली क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। एक फ़ाइल मैं स्टोर कर देता हूँ और स्टोर करके उसका लिंक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, तो आप देखिएगा वो पूरा MP3 प्ले कर देगा, ठीक है। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा, MP3 रिकॉर्डर ऑनलाइन, ऑनलाइन को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो ना, हाँ ये आ गया। अच्छा माइक अलाउ नहीं हुआ इस गरीब को, क्या बकवास है। भाई इतना टाइम थोड़ी है, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती इतनी देर में, तो किसी और पे चलते हैं। आई थिंक ये है हमारा वाला, एलाओ माइक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा भाई ये हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड, ठीक है। जस्ट एक नॉर्मल नॉर्मल कोई भी रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है उससे ही आप रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने जाके कॉन्सोल पे, मतलब मुझे होस्ट करना पड़ेगा कहीं पे, जाहिर है गूगल ड्राइव पे मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम डेवलपर हैं, तो हमें कोई स्टोरेज बकेट टाइप की चीज़ देखनी होगी, जैसे AWS S3 बकेट है, ठीक है, या हमारे पास फायरबेस स्टोरेज है। अब मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है ABC डिलीट दिस, मैंने इस तरह के डिलीट दिस वाले प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो मैं क्लास के दौरान चीज़ें कर रहा होता हूँ वो इस तरह के डिलीट दिस लगा देता हूँ उसके आगे। मैं गया स्टोरेज में, स्टोरेज में जाके, ठीक है, बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट। टेस्ट मोड नेक्स्ट, जो भी आ रहा है आने दो, नेक्स्ट। ये मुझसे स्टोरेज की लोकेशन पूछ रहा था कि भाई कहाँ पे स्टोर करना चाहेंगे आप, मैंने कहा कहीं भी स्टोर कर दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, फ़र्क पड़ेगा लेकिन अभी हम क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं तो अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमें लोकेशन वो रखनी चाहिए जो मेरे सर्वर से करीब तरीन हो, जो मेरे यूज़र से भी करीब तरीन हो इस केस में, और सर्वर और यूजर के बीच में कौन सा ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सर्वर इस केस में यूजर वाला, क्योंकि अलेक्सा एक्चुअली क्या करता है, जब मैं ये भेजूंगा ना बना के, तो ये लिंक पूरा फ्रंट एंड पे भेज देता है, वहां से स्ट्रीम डायरेक्ट होता है, वो क्रोम कास्ट वाला केस जिस तरह होता है ना, सेम वही चीज करता है ये। अच्छा ये मेरी जो वॉइस की रिकॉर्डिंग थी ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, जैसे ही ये अपलोड हुई, ठीक है, जैसे ही अपलोड हुई मुझे इसका एक लिंक मिल गया, राइट। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे लिंक दे दिया इसने बना के, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। इसको मैंने लिंक को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास एक MP3 का लिंक मौजूद है, राइट। अब मेरे पास एक अदद MP3 का लिंक मौजूद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ऑडियो, पूरा ऑडियो लगा सकता हूँ इसमें। मैंने ये लिंक यहाँ पेस्ट किया, अभी तो ज़ाहिर है लिंक अभी ऐसे नहीं करेगा, इसका मुझे टैग भी कॉपी करना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह करके टैग होगा आपका, टैग कैसे होगा आपके पास, स्पीक होगा, स्पीक के अंदर ऑडियो होगा, और ऑडियो के बाद जो है ना सोर्स होगा, ठीक है। अब ये साउंड बैंक करके इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, बट हम ये नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें HTTP की रिक्वेस्ट, HTTP का URL लगाएंगे। ये हमारा जो HTTP का URL था कट, और इस SRC में मैंने पेस्ट कर दिया,
ठीक है, तो अब मेरे जो स्पीक में ना उसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ इसमें, पहले मैं इतने को चलाता हूँ, ज़रा प्ले किया मैंने उसको, क्या है भाई, रिट्रीविंग टेक्स्ट टू स्पीच, अरे क्या बकवास है, HTTP लिंक के एक्सेप्ट नहीं करता ये, कन्वर्टिंग ऑडियो फाइल्स टू, अच्छा ये कह रहे हैं भाई अमेजोन S3 पे ही करना पड़ेगा, HTTP लाइव स्ट्रीमिंग HLS ऑडियो फाइल्स, नहीं यार ये क्या बकवास है, एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, एरर रिट्रीविंग टेक्स्ट टू स्पीच द इनपुट वाज इनकंपैटिबल, वो वही बता रहे कि उसको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वो रहते हैं एमपेग के थ्रू आप कन्वर्ट कर लो, ऐसे बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन में, हियर इज योर सॉन्ग, कुछ टेक्स्ट भी मैंने ऐड कर दिया, नहीं भाई ये तो मना कर रहा है सीधा इसको, एन ऑडियो इन द मिडल ऑफ एलेक्सा स्किल, ये किसी ने ब्लॉक, ये किसी ने पूछा हुआ है सवाल, कह रहे आई ट्राइड SSML एंड वर्किंग फाइन, आई टेस्टेड वॉइस एंड टोन टैप टू एलेक्सा सिमुलेटर बोथ MP3 फाइल्स, वन ऑफ फ्रॉम द कमेंटर प्लेइंग, यार इसने तो HTTPS लगाया वैसा ही चल रहा है, बट ये अगस्त 2018 का है, ये 2018 में ये चल रहा था अभी ये इन्होंने कुछ कह दिया है कि शायद हमारे पास ही होस्ट करोगे तो चलेगा, क्योंकि उसका भी S3 पे था ना, उसका भी S3 पे था, S3 पे था उसका, यस एग्जैक्टली, तो इस तरह करके HTTP का लिंक लग जाना चाहिए, अब इन्होंने कोई ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इसको प्लीज़ पढ़िएगा आप, आई एम नॉट श्योर कि अभी मेरी फाइल इनके फॉर्मेट पे पूरी उतर रही है या नहीं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि वरना FFmpeg से कन्वर्ट कर लो उस फाइल, हाँ ये मेरे पास है वैसे, ये जो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं ना Audacity, ये मेरे पास है सॉफ्टवेयर, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी अगर हम इसको ओपन करेंगे ना, हाँ तो क्विकली हो जाएगा, वो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर, चार स्टेप्स लिखे हुए हैं, नीचे आएंगे, नीचे नीचे FFmpeg वाली चीज से करने की जरूरत नहीं, ये ओपन द फाइल टू कन्वर्ट, सेट द प्रोजेक्ट रेट इन द लेफ्ट कॉर्नर टू 16,000 एंड देन एक्सपोर्ट ऑडियो सेव टाइप एज MP3 एंड व्हाइल सेविंग ऑप्शंस में, अच्छा आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल था बट अभी नहीं है तो मैं कर लेता हूँ डाउनलोड उसको, मैक ये क्या सीन है यार, ऊपर से वहाँ से ओके DMG ये आ गया भाई DMG ओके ओके 42 MB है ये और हो रहा है डाउनलोड, अच्छा बाय द वे मैंने एक चीज़ चेक नहीं की, ये चीज़ें जो ये बता रहे हैं ना सेट करना, ये तो मेरे पास वैसे भी शो हो रही होगी राइट, ये मेरे पास है। वे, पहले से था ये, आ क्यों नहीं रहा था मेरे सर्च में, ये असल में मेरे पास ना ये डिटेल्स शो कर रहा होगा, अगर मैं डाउनलोड में जाता हूँ और ये वो फाइल है ना जो अभी मैंने किया था, तो इसकी ये बिट रेट वगैरह बता रहा होगा यहाँ पे, मैंने कहा ये सैंपल रेट देखो ना 44.1 KHz है और उसको 48 वाला चाहिए आई थिंक, वो क्या कह रहा है 48 चाहिए ना उसको, 48 KBPS में चाहिए, सेट द प्रोजेक्ट रेट
इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू 16,000, ये 16,000 भी चाहिए, कुछ और। हाँ तो और ये इसमें है ऑडासिटी पे फोर्टी ना हम फोर सेट कर थाउजेंड सकते हैं। दिस इज 44,000 राइट नाउ। हाँ लेकिन वो 44 KZ के बजाय वो कुछ और मांग रहा है, वो 48 मांग रहा है मेरे ख्याल से। हाँ अभी वो सॉफ्टवेयर तो आ चुका है हमारे पास, हम उसको जल्दी से ओपन करते हैं। ये लेफ्ट लेफ्ट में 44, हाँ ये 44.1 है, उसको 16,000 करना है, आप सही कह रहे थे। ओके ओपन ओपन किया मैंने, डाउनलोड्स में गया और ये वॉइस रिकॉर्डिंग ओपन कर ली यहाँ पे, और इसको 16 करना है, जी 16 हो गया ये। और क्या बताया इसने, बस एक्सपोर्ट कर लो। हाँ एक्सपोर्ट करना है, और ऑप्शंस में सेट 48 KB, क्वालिटी टू 48 KBPS ओके। इन बिटरेट। MP3 में करना है, MP3 हाँ में बोला हुआ है, हाँ MP3 में बोला हुआ है, और इसमें 128 क्या था, 48 KBPS, 48 KBPS करना है, 48 तो आ रहा ही नहीं है यार इसमें, देख लो वेरिएबल बैटरी को चेंज कांस्टेंट, करना है ओके मेरे पास। कांस्टेंट कांस्टेंट में 48 आ रहा है, ओके हाँ पूरे में कांस्टेंट रहा है, ज्वाइंट स्टूडियो ठीक है, और चैनल ज्वाइंट कांस्टेंट रखना है, ठीक है भाई, बिट रेट कांस्टेंट, और इसको मैं फोर्स टू एक्सपोर्ट टू मोनो, मोनो में कर देते हैं ताकि वो स्टूडियो वाला इशू भी अगर हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। स्टेरियो सेव, वाला क्या इशू होता है? स्टूडियो में ना दो चैनल्स होते हैं, दो चैनल से आवाज़ आ रही होती है, और मोनो में क्या होता है एक ही चैनल होता है। अरे ये अच्छा सेव कहाँ कर दिया इसने, ये तो हमने देखा ही नहीं कि इसने सेव कहाँ किया, दोबारा एक्सपोर्ट पे जाते हैं, एक्सपोर्ट एज MP3, अच्छा कहाँ ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में में कर डाल दिया। दिया, गॉट इट, इसने डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे कर दिया स्टोर, ठीक है भाई। तो अभी हम क्या करते हैं, फायरबेस स्टोरेज में से जाके पुराना वाला डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं जी, और यहाँ पे हम नया वाला लाके जो है ना डॉक्यूमेंट्स में से अपलोड कर देते हैं नया वाला, ये हमारा आ गया जनाब, इसमें अभी शो भी कर दिया होगा इसने, हाँ भाई 16 KHZ शो कर दिया इसने, ठीक है जी। माइक, हैप्पी बर्थडे टू, ठीक है अब ज़रा इस URL को लगा के देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। नहीं भाई इस चीज़ का इशू ही नहीं है, ये वो कोट्स को सिंगल कोट में करके देखें या फिर बैक टेक में? सिंगल हाँ इन्होंने कैसे करके लिखा है देख लेते हैं एक बारी, टेक में देखा था मैंने। नहीं इन्होंने लिखा हुआ तो डबल टिक में ही है। अच्छा हम एक काम करते हैं, मे बी सिम्युलेटर का इशू हो ये, हम इस पूरे ऑडियो को क्या कर देते हैं, हम इस पूरे ऑडियो को अपने रिस्पॉन्स के लास्ट में लगा देते हैं कि भाई हैप्पी बर्थडे पूरा बोलने के बाद ना ये सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद ये ऑडियो भी चल जाए, ठीक है SSML में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंग अ सॉन्ग बोल के चेक करते हैं, सिंग मी अ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, सर्वर तो मेरा कनेक्टेड है। अच्छा मैं गया सिम्युलेटर में और मैंने कहा कि भाई सिंग मी अ सॉन्ग, सॉरी दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, प्लीज ट्राई अगेन। नहीं भाई ये तो एरर हैंडलर पे चला जा रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको। सॉरी दिस इज एरर हैंडलर और इंटेंट, अगर इस ऑडियो को हम प्लीज हटा ट्राई दें, अगेन। हैप्पी बर्थडे पर बोला था, विश मी फॉर हैप्पी बर्थडे, या फिर सिर्फ लाइक आस्क, क्या कहा था अटरेंसेस में, क्या दिए थे मैं भूल गया। अटरेंसेस देख लेते हैं हम, सिंग मी अ सॉन्ग मैंने लिखा है ये रहा ना, सिंग मी अ बर्थडे सॉन्ग, अच्छा चलो सिर्फ बर्थडे सॉन्ग बोलते हैं, बल्कि नहीं यार सिंग मी अ सॉन्ग में चलना चाहिए। Sorry, this is error handler intent. Please try again. Sorry, this is error handler intent.
क्या भाई, प्लीज ट्राई अगेन। अब क्या हो गया इसको यार, अब तो मैंने वहाँ से वो लिंक भी हटा दिया, अब तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। सिंग मी अ बर्थडे सॉन्ग, सिंग बर्थडे सॉन्ग, यही है नाम इसका, सही है, सिंग बर्थडे सॉन्ग यही नाम है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार सेव और बिल्ड भी कर लेते हैं शायद। बिल्ड तो वैसे हमने कर दिया था इसको चलाने के बाद। से हैप्पी बर्थडे एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी करके बोलते हैं। वही है, तो ओपन ही नहीं हो रहा अब, इसके लिए ओपन नहीं हो रही, वो बिल्ड नहीं हुआ था ना मेरे ख्याल से, बिल्डिंग मॉडल आ रहा है, बिल्ड कंप्लीट। सॉरी दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, प्लीज ट्राई अगेन। सॉरी This is error handler intent. There was a problem with the requested skills response. यहाँ पे क्या हुआ? कुछ हुआ है यहाँ पे, मेरे सर्वर पे कुछ हुआ है। Undefined timeout. वो किसी चीज का ना टाइम आउट हो गया है। लॉग आउट करके लॉग इन करें। सॉरी दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, प्लीज ट्राई अगेन। सॉरी दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, Please try again. यार मुझे लग रहा है एनजी रॉक का इशू है, ये एनजी रॉक को मैं दोबारा चलाता हूँ, ये एनजी रॉक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम कर गया है। पॉसिबिलिटी सही है, क्योंकि ना बाकी सब चीजें सही है, और ये बिना वजह जो है ना एरर किए जा रहे हैं। क्या आप तो करेक्ट हो, शुरू में एक स्पेस आ गया था। There was a problem with the requested skills response. क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बोलो तो सही है। There was a problem with the requested skills response. अच्छा अब ये शायद बिल्ड करना पड़ेगा, लास्ट टाइम मैं बिल्ड किए बगैर चल गया था, लेकिन इस बार शायद मुझे लग रहा है बिल्ड करना ही पड़ेगा फिर ही चलेगा। नीचे नोटिफिकेशन में ना लिखा हुआ आता है कि मैनिफेस्ट सेव हो गया, बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने चेक किया था बगैर बिल्ड किए URL अपडेट हो गया था, लेकिन अब नहीं अपडेट हो रहा इस बार। अब हुआ ही बिल्ड कंप्लीट, नाउ लेट मी टेस्ट यू अगेन। अरे चल गया सही। हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर डॉट इंज़माम मालिक, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क? सिंग मी अ सॉन्ग। ये क्या हुआ, कैसे चला? सॉरी दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, Please try again. पता नहीं क्या हुआ यार।
अच्छा क्या मैंने लिखा था, बर्थडे सॉन्ग, हाँ बर्थडे सिंग बर्थडे सॉन्ग। से हैप्पी बर्थडे ये बोलते हैं। सॉरी दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, प्लीज ट्राई अगेन। Sorry, this is error handler intent. Please try again. Sorry, this is error hand. Sorry, this is error handler intent. Please try again. My name is Muhammad Inzamam Malik. My friends call me Malik. Would you like to know about my work experience? इसको नीचे हमने पास नहीं किया हुआ ना, से हैप्पी बर्थडे वाले को। शूट शेट, जब ही तो नहीं चल रहा हूँ। सूस, बेसिक शेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इंजमाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो यूआरएल भी इनेबल करते हैं, यूआरएल जो हमने हटाया हुआ था यहाँ से। क्या था वो ऑडियो का टैग, यहाँ से उठाया हमने, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद यहाँ लगा दिया, और इसका सोर्स जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको हम दोबारा बोलते हैं कि से हैप्पी बर्थडे। Here's something I found on the web. Oh, अच्छा, उसमें मैंने एग्जिट कर दिया था, तो मुझे अब This is a day of great happiness. Oh man. सही है, हैप्पी बर्थडे के बाद ना मैंने रीप्रॉम्प्ट नहीं लगाया हुआ, तो वो स्किल एग्जिट हो गई। I am virtual version of Mr. Dot Inzamam Mali. सही। There was a problem with the requested skills response. अच्छा, तो मतलब ये लगाने के बाद वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, से हैप्पी बर्थडे बैकस्लैश इज नॉट द राइट। ये मुझे देखें यार, रिस्पांस मेरे पास आ चुका है, इधर इमोशन है, नेम एक्साइटेड है, इंटेंसिटी हाई है, उसके बाद न्यू लाइन है, उसके बाद आगे का पता ही नहीं है। अरे ये क्या हुआ यार, सिंगल लाइन आ रही है सिर्फ। व्हाट इज दैट, सिंगल लाइन क्यों दे रहा है सिर्फ मुझे यार। डबल कोटेशन वाले में ना मल्टी लाइन इस तरह करना पड़ता है, ऐसे स्लैश स्लैश लगा के। तो हम बैकटिक नहीं दे सकते, सिंगल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डबल कोटेशन यूज हो रहा है। सही। ओके, नहीं नहीं बैकटिक में वो लेकिन काम करता है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, नहीं बैकटिक ही करना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद पता नहीं बैकटिक की वजह से तो इशू नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 2 मिनट पहले ये बैकटिक में काम किया है इसने, ऑडियो जब नहीं है लगाया हुआ तो हमने, है ना। तो बैकटिक इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ हेयर, प्रॉब्लम इज़ ऑडियो। तो ये ऑडियो का टैग किसी वजह से भाई काम नहीं कर रहा, तो ये देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं काम कर रहा है, इसको रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, मज़ीद हम एक दो देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर ख़त्म करते हैं। अच्छा भाई, ब्रेक हम देख चुके हैं, एम्फेसाइज देख लेते हैं। एम्फेसाइज़ क्या है कि भाई किसी भी जुमले के अंदर ना कोई ख़ास वर्ड आपको जो है वो एम्फेसाइज़ करके बोलना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो कहेंगे आई ऑलरेडी टोल्ड यू रियली लाइक, ठीक है, रियली लाइक दैट पर्सन। और अगर मैं इसको एम्फेसाइज़ करके बोलूँगा तो मैं कहूँगा आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई रियली लाइक दैट पर्सन। सही है, ऐसे करके मैं एम्फेसाइज़ करके बोलूँगा, तो ये हम कर सकते हैं इसमें। अब इसमें एक है लैंग्वेज, ठीक है, कि भाई कोई दूसरे लैंग्वेज का वर्ड आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, पेरिस, तो पेरिस को फ्रांस वाली लैंग्वेज में बोलेगा ये इतने वर्ड को। ठीक है, फ्रांस में इसको पेरिस बोलते होंगे मे बी। तो ऐसे करके जैसे हाँ
पेरी बोलते हैं उसको, इस तरह बोलते हैं। हाँ परी, परी In Paris, they pronounce it पारी। हाँ ये आ गया ना परी, ऐसे करके। अच्छा इसी तरह फिर पी है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है कि भाई पूरा पूरा पैराग्राफ इस तरह बोलेगा बंदा, ठीक है। अच्छा पैराग्राफ के अंदर ना सेंटेंसेस होना ज़रूरी है, वो यहाँ मेंशन नहीं हुआ हुआ लेकिन ऐसा है कि पैराग्राफ के अंदर ना सेंटेंसेस होने चाहिए। डायरेक्ट इस तरह पैराग्राफ लिखने से ना वो कुछ मसला करता है, W3C के अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हुई है। अच्छा फिर फिनॉम्स हैं। फिनॉम्स ये हैं कि भाई आप ना कोई ख़ास प्रोनाउंसिएशन बुलवाना चाह रहे हैं, तो जो मिसाल के तौर पे जैसे एक आई वाओ एक कंपनी है जिसके लिए मैं कुछ अरसे पहले तक काम कर रहा था, तो उसका जो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो ऐसे लिखते हैं कि IVOW ऐसे करके वो लिखते हैं, ठीक है। ये उसकी वेबसाइट भी आ गई, तो इसको वो पढ़ते हैं आई वाओ, इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो जाहिर है अब मैं इस तरह लिखूँगा तो उसको आई वाओ प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, तो फिर उसके लिए मुझे ना फिनॉम्स लिखने पड़ेंगे। इस मिसाल के तौर पर फिनॉम्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी बात लिखता हूँ, अगर जैसे मैं लिखता हूँ कार, ठीक है, तो कार की डेफिनेशन लिखूंगा मैं, कार डेफिनेशन। तो ये जो छोटा सा नीचे आता है ना ये फेनोम होता है, राइट। तो ये इसी तरह मैं लिखूंगा फोनी, फोनीम, फोनीम। अच्छा फोनीम बोलते हैं इसको, फेनोम नहीं बोलते, जैसे पी होता है वैसे फोनीम, फोन, फोन। गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा फिर इसी तरह मैं लिखूंगा जैसे मैकबुक, ठीक है। तो ये लिखने में तो इस तरह है लेकिन एक्चुअल में प्रोनाउंस कैसे होगा ये, अच्छा इसका आया ही नहीं डेफिनेशन, ठीक है। जैसे पुट है, पुट एक वर्ड है, ठीक है, तो पुट के ये है नीचे आ गया इस तरह। अच्छा इसी तरह जो है अगर BUT होगा बट, ठीक है, तो BUT बुट नहीं होगा बट होगा, तो उसकी आप देखिएगा ये ऐसे आ गया बना हुआ नीचे। तो ये भी आप दे सकते हैं, एक्चुअल वर्ड के रिप्लेसमेंट में आप ये वाले कोड भी दे सकते हैं। अब ये कोड जो है इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, ये मुझे तो नहीं आता भाई, लेकिन ये है कि मैं देख लेता हूँ कुछ वर्ड अगर सही तरह से नहीं बोल रहा तो मैं क्या करता हूँ गूगल से जाके उसके ये फोनीम्स निकाल के और उसको लगा देता हूँ मैं, तो हो जाता है उससे मेरा काम। अच्छा फिर ये है, इसको पैरोडी बोलेंगे या क्या बोलेंगे, प्रोसडी के भाई तेज़ तेज़ बोलो या स्लो करके बोलो या लड़की की आवाज़ में बोलो। अगर मैं पिच को हाई कर दूंगा, जैसे पिच है इसको मैं हाई कर दूंगा तो लड़की की आवाज़ हो जाएगी, ठीक है, वो एक ज़माने में चला था ना, एक्सट्रीमली रफ मेल वॉइस। हाँ अच्छा ये नीचे इन्होंने बना के बताया हुआ है ऐसे करके कि वॉल्यूम लाउड और फिर उसका जो रेट है वो स्लो और पिच हाई, ये तीन अलग अलग जुमले को तीन तरह से बोला है। सुन भी लेते हैं इसको कि सुनने में कैसा लगता है ये। अच्छा इसका सुनने वाला नहीं बनाया तो हम इसको यहाँ जाके सुन सकते हैं, इसमें जाके वॉइस एंड टोन में जाके और प्ले किया। नॉर्मल वॉल्यूम फॉर द फर्स्ट सेंटेंस, लाउडर वॉल्यूम फॉर द सेकंड सेंटेंस। व्हेन आई वेक अप आई स्पीक क्वाइट स्लोली, आई कैन स्पीक विद माय नॉर्मल पिच बट आल्सो विद अ मच हायर पिच एंड आल्सो विद अ लोअर पिच। ठीक है तो तीनों चारों तरीके से बोल के पता चल गया कि, तो ये चीजें आप कर सकते हैं सारी इसके अंदर। अच्छा फिर से एज है से एज कैरेक्टर। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2021, ठीक है, 2021 एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैसे पढ़ूँगा, इसको मैं 2021 पढ़ूँ या मैं इसको पढ़ूँ 2021, ठीक है, ऐसे करके पढ़ूँ, या मैं इसको कैरेक्टर वाइज पढ़ूँ कि भाई 2021 ऐसे करके मैं पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ मैं। तो ये इंटरप्रेट एज करके आप लगा सकते हैं कि ऑर्डिनल, डिजिट्स, फ्रैक्शंस, यूनिट, किस तरह करके पढ़ना है, कैरेक्टर्स करके पढ़ना है। मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है नासा लिखा हुआ है, ठीक है, तो नासा को NASA पढ़ना है या नासा पढ़ना है उसको, ठीक है, कैसे करके पढ़ना है, तो वो यहाँ पे हम बता सकते हैं। इसके नीचे जो है ना एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कार्डिनल की एग्जांपल है ये, ठीक है, और डिजिट्स की एग्जांपल है और स्पेल आउट की एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम ज़रा लगा के देख लेते हैं कि ये कैसा बोलता है। Here is a number spoken as a cardinal number, 12,345. Here is the same number with each digit spoken separately, 1, 2, 3, 4, 5. Here is a word spelled out, H-E-L-L-O. ठीक है, तो ये say as का भी एक
काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है इसका। भाई फ़ोन नंबर अगर आपको बोल के बताना है तो आप उसको स्पेल आउट करेंगे, कैरेक्टर वाइज बोलेंगे आप उसको, ठीक है। अगर कोई ईयर है 2021 है 2022 है तो आप उसको कार्डिनल करके बोलेंगे, राइट। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीक है, स्पीक तो मेन टैग है ना जहाँ से ओपन और क्लोज हो रहा होता है वो, ठीक है। तो स्पीक तो बताता है कि भाई यहाँ से SSML शुरू है और यहाँ तक SSML है, ठीक है। सब, ठीक है भाई, सब में क्या होता है कि प्रोनाउंस द स्पेसिफाइड वर्ड और फ्रेज एज अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज, स्पेसिफाई द प्रोनाउंसिएशन ऑफ, सब्स्टिट्यूट है ये एक्चुअली, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कहेंगे उसको। अच्छा, तो एम जी करके लिखा हुआ आएगा लेकिन बोलेगा उसको वो मैग्नीशियम, ठीक है। जाहिर है एम जी तो नहीं बोलते उसको, मैग्नीशियम बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी चला के देख सकते हैं, आप खुद भी चला के देख सकते हैं। अच्छा, फिर है वॉइस के भाई, आप ना मिसाल के तौर पे, एक दोस्त ने बल्कि ये सवाल भी पूछा था कि यार अभी तो ये सिर्फ लड़की की एक ही आवाज़ आती है, किसी में दूसरी वॉइस में बोलना चाहूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो भाई ये तरीका है, यहाँ पे आपके सामने मैं वॉइस का टैग ओपन करूँगा और वॉइस का टैग मैं क्लोज़ कर दूँगा, और उसके दरमियान में जो भी बात लिखी हुई होगी ना वो किसकी, कैंड्रा की आवाज़ में बोला हुआ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया था इसका मैं वॉइस चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने कह दिया वॉइस कैंड्रा, ठीक है। और वॉइस को क्लोज, क्लोज का भी उठा लेता हूँ, ये वॉइस को क्लोज करने वाला जो है उसको भी उठा लेता हूँ मैं, सही। और यहाँ पे मैं क्लोज वाला लगा देता हूँ। अच्छा, अब कैंड्रा के अलावा इसमें कौन कौन सी वॉइस है, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है ना, जो अमेज़ॉन के अंदर जो जो आवाज़ें मौजूद हैं वो ये सारी हैं, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आईवी है, जोना है, जूई है, जस्टिन है, कैंड्रा है, ठीक है, किम्बल है, मैथ्यू है, सैली है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलियन के अंदर दो हैं, फिर ब्रिटिश के अंदर दो हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, कैंड्रा वाली आवाज़ सुन रहे हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में है, एक आई थिंक मेल वॉइस है ये, चला के देखते हैं तो पता चल जाता है। कैंड्रा फीमेल होगी, जस्टिन मेल होगी। Here is a number spoken as a cardinal number, 12345. ठीक है, आपने देखा आवाज बिल्कुल चेंज हो Here गई। is the same number with each digit spoken अब हम जस्टिन separately. लगा देते हैं। One, two. Here is a number spoken as a cardinal number, 12345. क्या बात है भाई, मजा आ गया। सही है, जोना को ले लेते हैं थोड़ा। अच्छा, एक ही मैं उसके अंदर दो तीन आवाजें भी रख सकता हूँ, राइट। तो मैंने कहा कि भाई लास्ट वाला जो है ना वो बोलेगा, वो उसको बोल, जोना ने बोलना है, राइट। मैंने कहा भाई आधा जस्टिन बोलेगा आधा जोना, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, मैंने दो वॉइस बना दिए हैं यहाँ पे, एक वॉइस यहाँ से शुरू है यहाँ ख़त्म है, दूसरा वॉइस यहाँ से शुरू है यहाँ ख़त्म है। तो मैंने अपने एक ही SSML में दो वॉइस लगा दिए, तो ये मैं कर सकता हूँ ये काम। Here is a number spoken as a cardinal number, 12345. Here is the same number with each digit spoken separately. Dot. 1 2 3 4 5. Here is a word spelled out, hello dot. ठीक है भाई, तो ये जोना ने बोल दिया आधा, आधा जस्टिन ने बोल दिया। अब हमारे पास एक कौन, जी दोस्त, वो जो डॉट था वो वॉइस के वॉइस बाद के लगा हुआ था, वो गलती लिए। से लगा हुआ था तो इसलिए उसने डॉट को भी बोला। सही सही, मतलब वो जरूरी नहीं था ना, क्योंकि मुझे लगा वो जरूरी था क्लोज करने नहीं के नहीं लिए, जरूरी नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं तो वो वाला डॉट था। गलती से बाहर आ गया था, असल में इन्होंने ही लिखा हुआ है, वो मैंने भी नहीं लिखा हुआ, हाँ, पति इन्होंने लिखा हुआ था, लिखा इसलिए मैं हुआ पूछने वाला था आपको कि ये जरूरी है या क्या। यहाँ पे। अच्छा, अब वॉइस के बाद हमारे पास है एक अदर डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या चीज़ है, सिमिलर टू से एज दिस टैग कस्टमाइज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड बाई स्पेसिफाइंग द वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसमें ना से एज की तरह यही है, लेकिन इसमें पार्ट ऑफ स्पीच की कोई चीज़ इन्होंने ऐड की हुई है, जैसे वी बी या वी बी डी करके, जैसे जो रीड एक वर्ड है, ये दो तरह की पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है, ठीक है, वी बी में भी हो सकता है, वी बी डी में भी हो सकता है। चलते हैं भाई ऊपर, क्या है वी बी का मतलब है कि इंटरप्रेट द वर्ड एज अ वर्ब, ठीक है। वी बी डी का मतलब है इंटरप्रेट द वर्ड एज अ पार्ट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिसिपल पार्टिसिपल अभी रीड। अच्छा, तो रीड को पार्टिसिपल मतलब वर्ब का पास्ट टेंस, कि मतलब हो चुकी हुई चीज, कि लाइक रीड इज लाइक राइट नाउ इट इज हैपनिंग, रीड दिस एंड रेड इज लाइक आई रेड दैट
आर्टिकल। ओके गॉट इट। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक्चुअली एक ही स्पेलिंग होती है, तो उसको इस डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने ये लगा दिए। ठीक है, तो खैर ये चीज़ मौजूद है, इसको चला कर देख सकते हैं कि क्या फ़र्क है इसमें, इसको अलग से आप सर्च भी कर सकते हैं। ये सारे वो टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इसमें हर तरह के वर्ड को आप नहीं कर सकते, क्योंकि ना मतलब हर तरह की चीज़ आप इसमें अभी नहीं कर सकते, ये लिमिटेड चीज़ें हैं। कुछ जो इसमें पॉसिबल है उतना ही है। आप चाहेंगे ना कि बिल्कुल जैसे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग में चाहूँ बिल्कुल हैप्पी बर्थडे की तरह इसके ज़रिए बना दूँ, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे मेरे पास MP3 होता है सलील, वो प्लीज़ चलाने की आप भी कोशिश कीजिएगा MP3 को, मैं भी करूँगा। नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा कि जो है ना वो अगर आपके पास चल जाए तो अच्छा। और ये यहाँ पर हमारा SSML कम्प्लीट हो गया आज का, और होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। ठीक है जी, तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, स्टॉप शेयरिंग, और हमारे पास 6 लोग हैं और मैसेजेस जो है मैंने नहीं देखे थे, अभी देखें, कोई मैसेज नहीं है वैसे तो। ठीक है जी, तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, थोड़ी सी लंबी कर दी मैंने आज की क्लास, क्योंकि मैं चाह रहा था कि SSML का टॉपिक ना आज ही हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अब आइंदा जो भी आप लोग टास्क बनाएंगे, हाँ बाय द वे टास्क भी एक मैं दे देता हूँ हाथ के हाथ, कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जो होटल बुकिंग वाली स्किल है ना उसमें उसी तरह की, ज़रूरी नहीं है कि आप होटल बुकिंग ही बनाएं, कुछ और बना लें, पिज़्ज़ा ऑर्डर टाइप की कोई चीज़ बना लें, या ख़ुद से सोच के कुछ। हेलो 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 हेलो, हाँ अभी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि होटल बुकिंग जो हमने बनाया है, इसी तरह की स्किल खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप क्लास अगर देखेंगे ना तो उससे मसला हल नहीं होगा, आपको खुद से बनाना भी पड़ेगा, खुद से हाथ से कोड लिखना पड़ेगा। तो प्लीज़ खुद से हाथ से कोड लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो जो चीज़ें हमने क्लास में की हैं, कुछ चीज़ें हमने की लेकिन वो हो नहीं पाई, तो वो भी आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाए आपसे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, और अगर किसी से बन जाए अच्छी सी स्किल तो वो अगली क्लास में उसको हम शोकेस भी करेंगे, सब लोगों को दिखाएंगे क्या क्या बन गया आप लोगों से। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे, बाय। Thanks, bye.